हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम टू नोस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 5 का यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड एंड यूनिट नंबर थर्ड हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने आपको बताया था टेबलेट एंड कैप्सूल के बारे में। यूनिट नंबर सेकेंड में आपको हमने बताया था लिक्विड प्रिपरेशन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था सीरप, पढ़ा था सोल्यूशन, पढ़ा था एलेक्जर, पढ़ा था सस्पेंशन, पढ़ा था ये हमने सब पढ़ा था। अब यूनिट नंबर थर्ड में हमने पढ़ा था आपको टॉपिकल प्रिपरेशन, ठीक है, कि टॉपिकल प्रिपरेशन क्या होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर फोर, ये आपका लास्ट यूनिट है, ठीक है, चैप्टर फाइव का ये हमारा लास्ट यूनिट है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं आज तीन टॉपिक्स को। पहला टॉपिक हमारा है पाउडर एंड ग्रेनुल्स, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, इंसेफिलेशन, डस्टिंग पाउडर एंड इफर्विसेंट पाउडर एंड इफर्विसेंट ग्रेनुल्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको पढ़ना है स्टेराइल फॉर्मुलेशन, ठीक है। सेकेंड टॉपिक क्या है हमारा, स्टेराइल फॉर्मुलेशन। स्टेराइल फॉर्मुलेशन मतलब जो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जिसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, कोई भी कंटेमिनेशन ना हो, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इंजेक्टेबल्स, ठीक है, जो भी इंजेक्टेबल्स होते हैं, आई ड्रॉप क्या होते हैं, आई ड्रॉप के बारे में पढ़ना है, एंड आई ऑइंटमेंट के बारे में आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो हमें पहला टॉपिक क्या पढ़ना है, पाउडर ग्रेनुल्स, ठीक है, दूसरा आपको स्टेराइल फॉर्मुलेशन, तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सेरा के बारे में, वैक्सीन एंड टॉक्लेट और इसकी प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है, कि मैन्युफैक्चरिंग मेथड कैसे होती है, इसको मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन यानी मैन्युफैक्चरिंग मेथड आपको पढ़नी है। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। अगर आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर जाइए www.notescard.com पे, यहाँ पे आपको A4 साइज में अच्छे से नोट्स मिल जाएगा, जो आप प्रिंटेड करा सकते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पाउडर की, कि पाउडर के बारे में समझते हैं, पाउडर से होता क्या है। पाउडर नाम तो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, ठीक है, अगर देखा जाए तो पाउडर से हर एक इंसान प्रचलित है कि पाउडर से होता क्या है। आप लोग यूज कर रहे होंगे एज अ नेचुरल पाउडर यूज करते हो, नॉर्मल पाउडर यूज करते हो, जो आपको कूल करता है, ठीक है। कुछ ऐसे पाउडर्स है जैसे बॉर्नविटा हो गया, जो आप खाते हो बॉडी के अंदर इंटेक करते हो। कुछ ऐसे पाउडर होता है जैसे कि आप यूज करते हैं इनो, ठीक है, कि पानी में डिजोल्व करके उसको फिर हम डिजोल्व करके उसको लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पाउडर्स आप लोग देखा है, तो आज हम उसी सभी पाउडर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आज हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे पाउडर्स के बारे में, ठीक है, कि पाउडर्स होते क्या, और एक एक चीज को हम छोटी छोटी चीजें को समझेंगे, ठीक है, कि ये बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बात करेंगे पाउडर्स क्या होते हैं, इसके डिफिनेशन के बारे में, ठीक है, कि पाउडर्स आर द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ऑफ फाइनली डिवाइडेड, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होता है, ठीक है, बहुत ही छोटा छोटे इसमें देखेंगे पार्टिकल, तो बहुत ही फाइन होता है, बहुत ही छोटा। पाउडर्स का मतलब क्या है, कि बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अगर सिंपल से एग्जाम्पल ले रखें, आपका आप गेहूं का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने अपने गेहूं का नाम सुना होगा, गेहूं को जो आटा बनाते हैं उसके पार्टिकल्स एकदम छोटे छोटे हो जाते हैं, एक एक गेहूं में कितने कितने टुकड़े हो जाते हैं, एकदम बहुत ही महीन हो जाता है, उसको ही बोलते हैं पाउडर्स, ठीक है। जो आटा होती है गेहूं की, आप लोग आटा बनाते हैं पिसवा के, तो वो जो पार्टिकल्स हो जाती है तो बहुत ही फाइन पाउडर्स में कन्वर्ट हो जाती है एंड लूज। यहाँ लूज का मतलब क्या है, यहाँ पे लूज ड्राई का मतलब क्या है, कि जो पाउडर्स अगर आपने देखा होगा, ये जो पाउडर्स है, ठीक है, यह जो हमारा पाउडर्स है, इसके जो पार्टिकल्स बहुत ही लूज होंगे, ऐसा नहीं है कि आप अगर उठाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइटली होता है या अलग अलग नहीं होते हैं, देखेंगे तो अगर हाथ से भी अपने लेंगे तो बहुत ही ज्यादा महीन होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे मैदा, हम एग्जाम्पल लेते हैं मैदा, अब वो आटा से भी महीन जो होता है मैदा होता है, ठीक है, आटा से भी महीन मैदा होता है। अब उसको पार्टिकल अगर हाथ में लेंगे तो चुटकी से अगर करेंगे तो देखिए बहुत ही ज्यादा महीन होता है, बहुत ही लूज होता है, इसके पार्टिकल जैसे हाथ में लेंगे बहुत ही अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका मतलब होता है लूज, लूज मतलब होता है इसके पार्टिकल बहुत ही ज्यादा लूजली होते हैं, इजिली हमारे दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है, एंड ड्राई पाउडर्स हमारे होता है। कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट, वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट, इसमें एक या एक से अधिक जो एपीआई हमारे होता है ऐड होता है, विद और विदाउट एक्सपीरियंट। अगर आप एक्सपीरियंट के मतलब अभी तक नहीं देखे तो हमारा जाइए पहला वीडियो देखिए, पहले वीडियो में हम डोजेस फॉर्म वाले वीडियो में आपको बता रखा है कि एक्सपीरियंट क्या होता है, एपीआई क्या होता है, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, एक्सपीरियंट और एपीआई के बारे में हमने इसलिए वहां पे बता रखा है, ठीक है। तो एक्सपीरियंट क्या होता है, जो भी हम किसी भी एपीआई के साथ अदर कोई चीज ऐड करते हैं, कोई सी फॉर्मुलेशन बनाने में को, उसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंट, उसमें कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, उसको बाइंडिंग एजेंट, ये सब उसमें ऐड कर देते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंट, ठीक है। या तो वो डायरेक्ट हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, या तो उसके साथ एक्सपीरियंट भी ऐड होगा,
दे मे बी इंटरनेट आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। ये हम इंटरनल और एक्सटर्नल यूज दोनों के लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है जो हम बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है। इंटरनल की अगर बात की जाए, जो चीज हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनल, और जो बॉडी सरफेस पे या बाहरी हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। अब इंटरनल और एक्सटर्नल कौन कौन से पाउडर यूज करते हैं, तो आप लोगों ने अगर हम इंटरनल की बात की जाए तो दूध का पाउडर का नाम सुना होगा। जो हम दूध का पाउडर खाते हैं, जो छोटे बच्चे रहे होंगे उन्हें दूध का पाउडर देखेंगे, उसको फिर डिजॉल्व किया जाता है हीट वाटर में, ठीक है, गर्म पानी, उसको हम डिजॉल्व करते हैं, उसके बाद दूध बना लेते हैं, उसके बाद हम बच्चे को पिलाते हैं, वो हमारा हो गया इंटरनल। ये एग्जाम्पल है बॉर्नविटा की, ठीक है। जो बॉर्नविटा होती है, बॉर्नविटा को भी क्या करते हैं, दूध में डालते हैं, डिजॉल्व करते हैं, फिर देते हैं, वो हो गया हमारा इंटरनल। या नॉर्मल सी बात करें आपका इनो, इनो सभी लोगों ने देखा होगा कि इनो क्या होता है। अगर इनो को हम क्या करते हैं, हमारा देखेंगे वो इंटरनल यूज के लिए करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना बाहर कहीं कटपिट लग गया वहां पे हम लगाते हैं, नहीं, तो वो इंटरनल यूज के लिए हम करते हैं, ठीक है, जो हम बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं। बट अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूज की, एक्सटर्नल कौन सी पाउडर हम यूज करते हैं। जैसे आप गर्मियों में देखे घमौरियों के लिए आपने यूज करते हैं नाइसिल पाउडर, ठीक है, नवरत्न पाउडर, ये डिफरेंट डिफरेंट आप जो कूलिंग पाउडर यूज करते हैं वो बॉडी सरफेस पे यूज करते हैं, ठीक है। या आपको कहीं चोट लग जाता है वहां पे भी आपको पाउडर कुछ मिलते हैं वहां पे लगाने के लिए। कुछ आपके क्लीनिंग पाउडर आते हैं जैसे डस्टिंग पाउडर, ये जो है क्लीन करता है, ये भी हमारा हो, और ये एक्सटर्नल यूज के लिए हमारे होते हैं, ठीक है। आई होप पाउडर आपको अच्छी समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि पाउडर क्या होता है। पाउडर एक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होता है जो फाइनली डिवाइड पार्टिकल्स में होता है, जिसके पार्टिकल बहुत ही लूजली होते हैं, जो कंटेन करता है एक या एक से अधिक हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब होता है हमारा एपीआई, ठीक है, विद और विदाउट एक्सिपिएंट। इसमें एक्सिपिएंट ऐड भी हो सकता है और नहीं भी होता है। दे मे बी इंटेंडेड आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। ये हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज के लिए करते हैं। अब बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड जिसकी उसकी जो थेरेप्यूटिक एफिकेसी होती है, ये डिपेंड करती है पार्टिकल साइज की ऑफ पाउडर। जो पाउडर की पार्टिकल साइज होती है उस हिसाब से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी और थेरेप्यूटिक एफिकेसी डिपेंड करती है, ठीक है। बिकॉज जो डिजोल्यूशन रेट होता है और एब्जॉर्प्शन रेट होता है, ये वेरी करता है एज पर द डिफरेंट पार्टिकल साइज। इसके जो पार्टिकल साइज होता है, जितना छोटा पार्टिकल साइज रहेगा उतना जल्दी डिजोल्यूशन रेट होगा, जितना छोटा चीज होगा उतना जल्दी तो डिजोल्व होगा, ठीक है। अगर देखा जाए एक हम टैबलेट्स की पार्टिकल्स ले लेते हैं, ठीक है, हमारे एक टैबलेट्स के हम पार्टिकल्स ले लिए, एक हम दो एक एक ग्राम हमारा टैबलेट पार्टिकल हो गया, ठीक है, 1 ग्राम का हमारा टैबलेट का पार्टिकल्स हो गया, और 1 ग्राम हमने पाउडर्स ले लिया, ठीक है, ये हमारे पाउडर्स हैं। अब अगर देखा जाए इसके डिजोल्यूशन, सबको हम दोनों को डिजोल्व करते हैं, इसको भी एक ग्लास वाटर में डालते हैं, ठीक है, इसको भी हम एक ग्लास वाटर के अंदर डालते हैं, इसको भी हम एक ग्लास वाटर के अंदर डालते हैं। तो देखा जाए सबसे पहले हमारा कौन सा डिजॉल्व होगा, जो 1 ग्राम पाउडर है, ठीक है। इसलिए ये पार्टिकल साइज पे भी डिपेंड करता है, जिसकी पार्टिकल साइज जितनी कम रहेगी उसके डिजोल्यूशन रेट उतनी ही ज्यादा होती है। ये तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पार्टिकल साइज पे वैरी करती है, ठीक है। इसलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी और थेरेप्यूटिक इफिकेसी। थेरेप्यूटिक इफिकेसी मतलब ये अपना इफेक्ट कैसे शो करता है, तो जितने जल्दी इफेक्ट कैसे शो करेगा, जितना जल्दी डिजॉल्व होगा उतना जल्दी अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करता है। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल साइज पे हम वेरी करते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर की बात करें तो पाउडर से हमारे देखेंगे, नॉर्मली आपको बता दो, पाउडर जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अगर देखा होगा आप लोगों ने, 2 तरीके से हमारे पाउडर में मिलता है। कौन कौन से तरीके से मिलता है, एक हमारा मिलता है बल्क, एक होता है यूनिट डोजेस, ठीक है। एक होता है हमारा बल्क में मिलता है, ठीक है, एक हमारा बल्क में मिलता है, दूसरा हमारा यूनिट डोज में मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं बल्क की, ठीक है। एक होता है हमारा बल्क, दूसरा होता है हमारा यूनिट। एक बल्क पाउडर्स होते हैं, ठीक है, बल्क डोज में जो हमें मिलता है, एक होता है हमारे यूनिट डोज में मिलता है। अब बल्क डोज की बात करें, जैसे हमने अभी बात किया है कि जो बॉर्नविटा होता है, ठीक है, जो बॉर्नविटा होता है, या फिर आपने जो नाइसिल पाउडर यूज करते हैं, या फिर अदर जो पाउडर हम भारी बल्क डब्बे में लेते हैं, वो देखें बल्क मात्रा आपको मिलेगा, ठीक है। बट कुछ आपको यूनिट में भी मिलता है, जो छोटे छोटे पाउच में भी पाउडर्स आपको मिलते हैं। एग्जाम्पल दिया जाए तो इनो, अभी हमने बात किया ना इनो के, इनो जो होता है आपका यूनिट डोजेस होता है। तो ये 2 तरह से हम इसको डिस्कस करते हैं, एक होता है बल्क डोजेस में, एक होता है यूनिट डोज में, ठीक है। जो बल्क डोज में होता है जो हम ज्यादा यूज करते हैं, यूनिट डोज में जो हमें कम मात्रा में हमें मिलता है पाउच के फॉर्मेशन में या सेचेट के फॉर्मेशन में हमें मिलता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स की, पाउडर को कैसे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पाउडर को क्लासिफाइड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए,
हम पाउडर को क्लासिफाइड करते हैं बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, ठीक है। जो कुछ बल्क पाउडर होते हैं, ठीक है, अभी हम बात करें यूनिट ऑफ बल्क की, तो जो है बल्क पाउडर होते हैं जो एक्सटर्नल यूज के लिए पर्पज से करते हैं, और दूसरा फिर हम बात करते हैं बल्क पाउडर फॉर द इंटरनल यूज, ठीक है। बल्क पाउडर फॉर द एक्सटर्नल यूज, बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज, या सिंपल और कंपाउंड पाउडर्स होता है, इफर्वेसेंट ग्रेनुल्स के फॉर्मेशन में होता है और कैचेस के फॉर्मेशन में होता है, ठीक है। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन किसकी, तो हमारा क्लासिफिकेशन का मतलब है कि पाउडर को कितने तरह से क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी पे रखा गया है। तो सबसे पहले जो ज्यादा हमारा जो पाउडर होता है उसको हम एक्सटर्नल यूज के लिए जो करते हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नल यूज के लिए हम करते हैं वो पाउडर को रखा गया है। उसके बाद बल्क पाउडर फॉर द इंटरनल यूज, जो ज्यादा पाउडर है वो इंटरनल यूज के लिए हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल और कंपाउंड पाउडर, जो हमारा सिंपल सरल और मिश्रित पाउडर होता है, ठीक है, कंपाउंड मतलब जिसमें ढेर सारे पाउडर को मिलाए हुए होते हैं, उसमें हमारा मिश्रित पाउडर आ जाता है, कंपाउंड पाउडर हम बोलते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इफरवेसेंट ग्रेनुल्स के, ठीक है, इफरवेसेंट जो हमारा उत्सर्जित करता है ना, जिसके अंदर हमारे इफरवेसेंट निकलते हैं, इसके बारे में अभी आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है, जिसमें इफरवेसेंट निकलते हैं, ठीक है। लास्ट हमारे जो छोटे छोटे फॉर्मेशन मिलते हैं, केचेस के फॉर्मेशन में हमारा मिलता है, एक कैटेगरी हमारा क्लासिफिकेशन रखा गया है, ठीक है। अगर देखा जाए आपके, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आपके सिलेबस में हमारा मेंशन हो रखा है इफर्वेसेंट पाउडर, डस्टिंग पाउडर, इंसफ्लेशन, ये सब हमारा जो मेंशन होता है ये बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज में ही है, ठीक है, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। साथ ही अगर देखा जाए तो एक और क्लासिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल साइज, ठीक है, ठीक है। अब बात करें अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल साइज, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो उसके जो पाउडर की साइज होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाइड कर रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज की, ठीक है, कि बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज में हमारे कौन कौन से पाउडर्स होते हैं, ठीक है। अगर बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज की बात करते हैं तो एक्सटर्नल बल्क पाउडर कंटेंट नॉन पोटेंट सब्सटेंसेस फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इसमें कोई कंटेंट करता है नॉन पोटेंट सब्सटेंसेस, जो भी पोटेंट सब्सटेंस हमारे नहीं होते हैं, और ये कहाँ यूज करते हैं, एज सिर्फ हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे, ये हम बॉडी के अंदर नहीं लेते हैं, ठीक है। ये जो पाउडर होता है इसको हम बॉडी के अंदर नहीं लेते हैं, हमारा इसमें एग्जांपल आ जाता है जैसे डस्टिंग पाउडर, डस्टिंग पाउडर हम कभी अपने अंदर इंटेक नहीं करते, ठीक है, ये एक्सटर्नल यूज के लिए हम करते हैं, क्लीनिंग के पर्पज से करते हैं, ठीक है, हम कभी भी इस पाउडर को अंदर नहीं लेते, इंटेक नहीं करते हैं। दिस पाउडर आर द डिस्पेंस इन द ग्लास प्लास्टिक वाइड माउथ बोतल्स, प्लास्टिक एंड वाइड माउथ बोतल्स, ऑल्सो कार्डबोर्ड विद स्पेसिफिक मेथड एंड एप्लीकेशन, ये जो पाउडर होता है, ठीक है, जो बल्क पाउडर की ज्यादा मात्रा में, तो हम कहाँ इसमें डिस्पेंस करें, या तो किसी ग्लास में करेंगे, या प्लास्टिक में करेंगे, या जो चौड़ा मुंह वाला बोतल रहेगा, ठीक है, वाइड मतलब होता है चौड़ा, जिसकी बोतल की जो चौड़ाई है उसकी जो मुंह है, ठीक है, जैसे ऐसा कोई बोतल हो गया, अब इसके जो मुंह चौड़ा है उसमें हम देंगे, ठीक है, ये हमारा बोतल हो गया, अब इसकी जो मुंह चौड़ा है, क्योंकि हमें पाउडर देने में आसानी होता है, ऐसे वाइड माउथ हमारे बोतल हो गए, या कार्डबोर्ड या जो आपका गत्ता होता है उसका भी बॉक्स वगैरह रहता है, उसमें हम इसको देते हैं। अगर बाहर से लेने जाए डस्टिंग पाउडर, तो आपको क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमाउंट रहता है, तो बल्क मात्रा में देते हैं, या तो ग्लास में देंगे या प्लास्टिक में दे देंगे, ठीक है, या पन्नी में आपको देखा होंगे लाते हैं तो पन्नी में मिलता है, ठीक है, या वाइड माउथ बोतल में आप ले सकते हैं, या कार्डबोर्ड में ले सकते हैं, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक मेथड होता है इसकी एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, एक स्पेसिफिक तरीके से दिया जाता है। अब बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज आर द फॉलोइंग टाइप्स, कितने टाइप के होता है जो बल्क पाउडर होता है, एक होता है डस्टिंग पाउडर, इंसफ्लेशन, स्नफ एंड डॉज पाउडर्स। आज की हम सबके डिटेल्स स्टडी करते हैं कि डस्टिंग पाउडर क्या होता है, इंसफ्लेशन क्या होता है, स्नफ क्या होता है और डॉजेस पाउडर्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे डस्टिंग पाउडर की, सबसे पहले हम बात करेंगे डस्टिंग पाउडर के, डस्टिंग पाउडर हमारे क्या होते हैं, ठीक है। डस्टिंग पाउडर की अगर बात किया जाए तो ऐसे पाउडर जो हमारे लार्ज कितने हैं, क्योंकि बल्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो बल्क अमाउंट जो हमें मिलता है वही हमारे पाउडर क्या होते हैं, डस्टिंग पाउडर, बट कुछ यहाँ पे डिफरेंट होता है डस्टिंग पाउडर्स में। तो डस्टिंग पाउडर यूजली कंटेंट सब्सटेंसेस सच एज द जिंक ऑक्साइड, स्टार्च एंड बोरिक एसिड। जो डस्टिंग पाउडर होता है उसमें क्या क्या होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, ठीक है, स्टार्च होता है, बोरिक एसिड होता है, एंड कुछ नेचुरल हमारे मिनरल सब्सटेंसेस के अंदर एड होते हैं, जैसे कैलोरीन एंड टाल, इसके अंदर हमारे एड होते हैं, ठीक है। अब टाल क्या करता है, टाल जो हमारा होता है कंटेमिनेट हो जाता है। टाल क्या होता है, टाल की अगर देखा जाए तो टाल हमारे कंटेमिनेट हो जाते हैं, कहाँ पे होते हैं, विद द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज द कॉटिडियम, ठीक है, कॉटिडियम टेटाने, जो हमारा क्या होता है टाल कंटेमिनेट हो जाता है विद द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज द क्लोस्ट्रिडियम टेटाने,
और इसके ये शुड बी द स्टेराइल बाय द ड्राई हीट, इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है, स्टेराइज करके जाता है, एकदम सूखी जगह पे इसको रखा जाता है, क्योंकि जहाँ नॉर्मल हमारे टेम्परेचर में आया, ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ तो तुरंत क्या करेंगे, कंटेमिनेट हो जाएंगे ये, क्योंकि तुरंत इसके जो है आर्द्रता आ जाती है, ठीक है, इसकी ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, इसमें कंटेमिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसको इसलिए इसको क्या करते हैं, हम स्टेराइज करते हैं ड्राई हीट में, क्योंकि जो हम चाल को यूज करते हैं, चाल के हमारा जो होता है इसको सूखी गर्मी के लिए रखते हैं, ताकि जहां रखेंगे सूखी जगह पर रखेंगे और गर्म स्थान पर इसको रखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं डस्टिंग पाउडर शुड नॉट बी अप्लाइड फॉर द ब्रोकन स्किन, जो डस्टिंग पाउडर होता है वो कटी जगह पे या फटे जगह पे नहीं लगाया जाता, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इरिटेशन कॉज करता है, कहीं भी ऐसे आपको चोट लग गया तो वहां पे हमें कभी डस्टिंग पाउडर यूज नहीं करना है, ठीक है। डस्टिंग पाउडर क्लीनिंग का काम करता है, बट कहीं जैसे बॉडी कहीं कटा हुआ है उस जगह हम पाउडर यूज नहीं करते। सपोज डेट आप अगर पाउडर लेते हो, कोई से नवरत्न पाउडर लेते हो, ठीक है, गर्मी में अमोरियो के लिए आप घमोरी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा है, आप यूज करते हो नवरत्न पाउडर, ठीक है, बट जहां पे कटा हुआ है आपका बॉडी में कहीं चोट वोट लगी है वहां भी अगर आप यूज करेंगे देखेंगे कितना ज्यादा इरिटेशन कॉज करता है, बहुत ज्यादा जलन होती है, ठीक है। इसलिए डस्टिंग पाउडर जो होता है वो हम नहीं अप्लाई करते अपने ब्रोकन स्किन पे, कहीं कटे हुए जगह पे। डस्टिंग पाउडर शुड हैव द एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, डस्टिंग पाउडर एंड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, डस्टिंग पाउडर के अंदर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है एब्जॉर्प्शन के मुताबिक, ठीक है। अब यहाँ बात करें एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, दो शब्द आता है, ठीक है, एक हमारे एब्जॉर्प्शन एक हमारे एडजॉर्प्शन की बात करें, ठीक है, एडजॉर्प्शन। अब दोनों में डिफरेंट क्या होता है, ये चीज बहुत ही अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट दोनों बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है, ठीक है, अगर देखा जाए एडजॉर्प्शन का मतलब होता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन, ए बी होता है, एक होता है ए डी, ठीक है, जो ए डी होता है, डी का मतलब एडजॉर्प्शन का मतलब होता है फैलाव करना, ठीक है। अगर बात किया जाए एडजॉर्प्शन कैपेसिटी, एब्जॉर्प्शन आपने देखा होगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन की बात किया जाए, एब्जॉर्प्शन अभी तक आप लोग पढ़ते रहोगे जो सोखने की क्षमता रखता हो, ठीक है, एब्जॉर्प्शन मतलब जो सोखने की क्षमता रखता हो वो सोखता है, बट अगर बात करें जाए एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन हमारा जो होता है वो फैलाव की देता है, ठीक है, उसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है कि जितना ही ज्यादा उसमें जैसे पाउडर्स है, अगर टेबलेट रखे तो टेबलेट हमारा इतना ही आएगा, ठीक है, बट अगर पाउडर देखेंगे कहीं भी अगर आप पाउडर फॉर्मेट देखा है तो इस तरह से हमारा गिरता है, इसकी जो फैलाव की प्रॉपर्टी होती है ये बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो जितने ही ज्यादा इसकी सरफेस एरिया कवर करेगा, ठीक है, जितना ही ज्यादा सरफेस एरिया ये कवर करेगा उतना ही ज्यादा हमारा एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होगा, जिसकी सरफेस एरिया ज्यादा होती है उसकी एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होती है, इसे ध्यान रखना, क्योंकि अभी हमने बात किया है कि एक टेबलेट की सरफेस एरिया देख लीजिए, 1 ग्राम टेबलेट की और 1 ग्राम पाउडर की, पाउडर सरफेस का एरिया ज्यादा होगा और फिर भी हमारा जो डिजॉल्व होगा सबसे पहले एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, तो हमारा कौन सा करेगा, जो 1 ग्राम हमारा पाउडर है, क्योंकि इसकी सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी सरफेस एरिया ज्यादा होगी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होगी, उसके एब्जॉर्प्शन रेट भी ज्यादा होंगे, ठीक है। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्किन अगेंस्ट द इरिटेशन कॉज बाय द फ्रिक्शन मॉइस्चर एंड केमिकल इरिटेशन, ये क्या करता है हमारे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, जो डस्टिंग पाउडर होता है ये प्रोटेक्ट करता है, किससे किससे हमारा प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट एक इरिटेशन से, हमारी कहीं भी स्किन में इरिटेशन हो रही है जिसकी किसी फ्रिक्शन की वजह से हो रही है, या बाय द वे हमारे मॉइस्चर की वजह से हो रही है, या हमारे केमिकल इरिटेशन की वजह से हो रही है, तो उसको हमारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे जो डस्टिंग पाउडर्स होती है, ठीक है, जो आपको जलन होता है, जलन किसी भी कारण हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मॉइस्चर से ही जलन हो, फ्रिक्शन से हो, या केमिकल इरिटेशन से, केमिकल से भी जलन हो सकती है, कि आप कहीं लैब में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप लैब में काम कर रहे हैं, कोई भी केमिकल से आपको आपके बॉडी सर्फेस पे लग गया, ठीक है, अब जो बॉडी सर्फेस लग गया तो वहां आपको इरिटेशन जलन से अजीब से होने लगती है, उस जगह भी हम डस्टिंग पाउडर्स को यूज करते हैं। अब बात करते हैं इंसेफलेशन की, ठीक है, अभी तक हमने बात किया डस्टिंग पाउडर, ठीक है, कि डस्टिंग पाउडर क्या होता है उसके बारे में हमने डिटेल से स्टडी की। अगर अब देखा जाए तो हम इंसेफलेशन की बात करते हैं कि इंसेफलेशन क्या होते हैं, इंसेफलेशन क्या होता है, इंसेफलेशन को अगर बोलते हैं हिंदी में अपर्याप्तता, ठीक है, जो हम बॉडी के अंदर डायरेक्ट हमारा जहां बॉडी चाहिए होता है वहां पे सीधे ये फ्लो करता है, वहां सीधे हम ब्लो करा देते हैं, इसको उड़ा देते हैं, वहां पे जाता है, ठीक है। अब बात है इंसेफलेशन होता क्या है, इंसेफलेशन की अगर बात करते हैं तो इंसेफलेशन आर द क्लास ऑफ पाउडर्स मेड बाय द एप्लीकेशन टू द बॉडी कैविटीज, ये ऐसे टाइप के पाउडर्स हैं जो हम सीधे बॉडी कैविटी पे यूज हम करते हैं, कहाँ कहाँ बॉडी कैविटी, जहाँ पे ईयर हो, नोज और वजाइना, हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ईयर यूज करते हैं, नोज यूज करते हैं, वजाइना यूज करते हैं, ठीक है, ये साधा सीधा पंप जैसा आता है, ठीक है, देखेंगे उसको पाउच एरोजोल जैसा आता है, उसको हम प्रेशर लगाते हैं, तो उसका जो पाउडर होता है उस पर्टिकुलर जगह पे जाके
उड़ के चला जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा रेस्पिरेटरी में पाउडर्स जो होता है, ठीक है, जो रेस्पिरेशन अस्थमा में यूज किया जाता है एरोजल, हम कहा माउथ भी सीधा लेते हैं, सीधा दबाते हैं, पंप करते हैं, ठीक है, जैसे दबाएंगे और सीधा उड़ के हमें अंदर जाता है, उसको बोलते हैं इंसेफलेशन, जो स्नेफ करते हैं, ठीक है। तो इंसेफलेशन क्या होता है, ये भी क्लास पाउडर के ही एक क्लास है जो हम यूज करते हैं बॉडी कैविटी से, ठीक है। अभी तो हम एक्सटर्नल बॉडी भी कर रहे थे डस्टिंग पाउडर, ठीक है, बट ये हम बॉडी कैविटी में यूज करते हैं, जैसे ईयर, नोज और वेजाइना। द पाउडर हैज ऑल्सो बी एक्सटर्नली फाइन एंड डिलीवर्ड टू द एफेक्टेड द पार्ट ऑफ द फॉर्म स्टीम विद द हेल्प ऑफ डिवाइस कॉल्ड द इंसेफलेटर विच ब्लो द पाउडर टू द सेट। अभी क्या बोला, जो पाउडर होता है ये अपने पर्टिकुलर बहुत ही फाइन होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ये पाउडर फाइन होता है, ये हमें डिलीवर करना होता है। कैसे हम डिलीवर करेंगे, इफेक्टेड पार्ट में, ठीक है, जहां पे हमारे बॉडी इफेक्ट हुआ है, ठीक है, जिस जगह में प्रॉब्लम हो रही है वहीं पे हम इसको पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे, इसमें विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस कॉल्ड द इंसेफलेटर। इंसेफलेशन जो पाउडर होता है विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस होती है इंसेफलेटर, ठीक है, जिसके थ्रू हमारे जो पाउडर्स होते हैं उस साइड पे हम ब्लो करा देते हैं। ब्लो मतलब होता है उड़ा देना, ठीक है, वहां तक पहुंचा देना, जो पंप करते हैं वो उड़ के वहां तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पैकेज इन द सफलेटर इन द पेस्टराइज फॉर्म दैट इज एरोजल। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो हमारी पैकिंग करती है, ठीक है, जो इंसेफलेटर की हमारी पैकिंग करती है विद हेल्प ऑफ प्रेस्टराइजर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा उसमें दबाव होता है। जैसे आपने देखा होगा स्प्रे देखा होगा, उसमें कितना हमारे देखेंगे लिक्विड फॉर्मेशन में रहता है, ठीक है, बट हम जब उसको पंप करते हैं, जब दबाते हैं, तो वो हमारे देखेंगे वो पाउडर कैसे फॉर्म में निकलता है, गैस फॉर्मेशन में निकलता है, ठीक है, एकदम सिंपल से एरोजल की बोतल में वो भी पैकिंग होता है। तो सेम यही कंडीशन होता है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है हमारे पाउडर्स को भी इसी तरह से हमारे प्रेशराइज करके उसके अंदर पैक किया जाता है, और जो एरोजल का बोतल होता है उसके अंदर पैक करने के बाद उसके एरोजल एक्टिव सी मशीन है जिसमें सारे हमारे पाउडर पार्टिकल्स चले जाते हैं। अगर वो निकालना होता है तो प्रेशर के थ्रू हम उस पर हल्का सा प्रेशर लगाते हैं तो वो उड़ता है, वहां से पाउडर बाहर निकलता है। या आप लोगों ने ऐसे इस टाइप का देखा होगा, अगर आपके बात किया जाए आप लोगों ने इस टाइप से देखा होगा, इस टाइप से होता है, यहाँ पे हमारे एक सिलेंडर होता है, ठीक है, इसी सिलेंडर को हम पंप करते हैं, यहाँ पे हमारे डिवाइसेस होते हैं, तो यहाँ से पाउडर्स ऐसे निकल के जाते हैं, ठीक है, इसको पंप किया जाता है तो यहाँ से पाउडर्स हमारे निकलते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर बेस्ड ऑन द उसके पार्टिकल साइज को, ठीक है, पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग हम कैसे पाउडर को डिवाइड करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट साइज के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को हम पाउडर को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अगर पाउडर की बात किया जाए, सबसे पहले पाउडर की बात किया जाए तो हम इसको बोलते हैं वेरी कोर्स पाउडर, ठीक है, क्या बात करेंगे, वेरी कोर्स पाउडर, कोर्स पाउडर। अब ये वेरी कोर्स पाउडर क्या होता है, इसको अगर नंबर बात करेंगे तो इसको नंबर 8, ठीक है, 8 नंबर हमारे होता है। अब ये नंबर 8 क्या है, ठीक है, ये नंबर जो है ये सीव की है, सीव जो चलनी होती है आपके घरों में चलनी होगी, तो सेम यही हमारे इंडस्ट्रियों में भी होती है चलनी, इसको हम बोलते हैं सीव, ठीक है। अब सीव क्या होंगे, सबसे बड़ा जो पाउडर्स होता है, ठीक है, सीव की बात किया जाए, जैसे एक हमारी चलनी है, इस चलनी में केवल 8 ही छेद होंगे, ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, 8 छेद होंगे, कितने होंगे हमारे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 5, 6, 7, 8। अब समझिए ये सबसे वेरी कोर्स, मतलब सबसे बड़ा जो पाउडर होगा इसके अंदर से हमारा चला जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड की अगर बात करें, सेकेंड जो हमारा पाउडर होता है वो होता है कोर्स पाउडर, ये वेरी कोर्स पाउडर था, सेकेंड हमारा क्या है, कोर्स पाउडर, कोर्स पाउडर, ठीक है। अब कोर्स पाउडर क्या होते हैं, इसको हम नंबर देते हैं नंबर 20, ये 20 नंबर हमारे सीव से ये पास आउट करते हैं, इसको 20 नंबर सीव से हम पास आउट करते हैं। अब ये मतलब कि एक इतना ही बड़ा हमारा चलनी है, इतना बड़ा ही हमारा चलनी है, अब इसमें कितने रहेंगे, 20 छेद रहेंगे, इसके जो छेद जब 20 रहेंगे, इसकी जो पार्टिकल साइज है तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है, इसमें जो छोटा साइज क्योंकि जगह हमारा उतना है, छेद हमारे सिर्फ 20 है, ये 20 नंबर सीव से हम इसको पास आउट करते हैं, तो इससे थोड़ा छोटा पार्टिकल जाएगा, वेरी कोर्स पाउडर से थोड़ा जो छोटा पार्टिकल रहेगा वो हमारे कोर्स पाउडर में जाएगा। अब बात कर रहे हैं तीसरा नंबर पे, ठीक है, ये आपको सिर्फ हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं ये चीज, ठीक है। अब बात करें तीसरे पाउडर की बात करें, ये मॉडरेटरी कोर्स पाउडर की बात करते हैं, ठीक है, तीसरे को हम बोलते हैं मॉडरेटरी कोर्स पाउडर, ठीक है, मॉडरेटरी कोर्स पाउडर, ठीक है। अब मॉडरेटरी कोर्स पाउडर क्या होते हैं कि जो कोर्स पाउडर से थोड़ा छोटा होता है, जिसको जो 40 नंबर सीव से हम पास कराते हैं, ठीक है, 40 नंबर सीव से पास करा देते हैं, मतलब इसमें छेदें बढ़ती जाएंगी, अब इसमें 40 हो जाएंगे, जब 40 हो जाएंगे इसकी जो छेद है, ठीक है, इसकी जो सीव की साइज होती है वो छोटा हो जाएगा, जब वो छोटा होगा उसकी पार्टिकल साइज थोड़ा और छोटा हो जाएंगे, जिस तरह आप चाय की छन्नी होती है, ठीक है, हमारी अगर चाय की छन्नी की जब देखा जाए, ये रही हमारी चाय की छन्नी, ठीक है,
यहाँ जो इस तरह से हमारी चाय की छन्नी होती है, ठीक है, इसमें सिर्फ वही पार्टिकल्स जाएंगे जो एकदम छोटे होंगे, इसकी जो छेद से छोटे होंगे वही पार्टिकल्स जाएंगे, ठीक है। चाय ही चल रहा है, चाय पत्ती हमारी अंदर नीचे नहीं जाती है। सेम कंडीशन इसमें भी होता है कि पार्टिकल साइज जो होगा, तो जिस टाइप का हम चलने यूज करते हैं, जिस टाइप का हम सीव यूज करते हैं, उसी टाइप के हमारे पाउडर्स उसके अंदर जाता है। फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, फाइन पाउडर, ठीक है, फाइन पाउडर नेक्स्ट हमारा होता है, फाइन पाउडर, फाइन पाउडर। अब ये फाइन पाउडर हमारे क्या होते हैं, जो फाइन पाउडर हमारा होता है इसको हम 60 नंबर सीव से पास कराते हैं, ठीक है। मतलब फिर अब इसे 60 और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो गया तो पार्टिकल साइज और छोटा ही हो जाएगा, अब हमारा 60 हो गया, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं फाइन पाउडर, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल। अब इससे भी होता है हमारा एक होता है वेरी फाइन पाउडर, ठीक है, हमारा होता है वेरी फाइन पाउडर। अब वेरी फाइन पाउडर क्या होता है, इसको हम पास करते हैं 80 नंबर सीव से, ठीक है, 80 नंबर सीव से हम इसको पास करते हैं, इसको हम 60 नंबर चाहते थे ना। अब वेरी फाइन को हम क्या करेंगे, 80 नंबर सीव से पास करेंगे, सबसे जो हमारी छोटी होती है वो होती है 80 नंबर सीव, ठीक है, 80 नंबर सीव की होती है। अब इसमें पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा, एकदम बिल्कुल फाइन होगा, देखेंगे बहुत ही ज्यादा फाइन पाउडर होगा। अब समझ लीजिए, जैसे जैसा नंबर बढ़ता जाता है, ठीक है, जैसे ही जैसे हमारा नंबर नीचे की तरफ आएंगे तो नंबर हमारा बढ़ता जाएगा, नीचे की तरफ जैसे आएंगे नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे ही नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है, वैसे पार्टिकल साइज छोटा होता है, ठीक है। जिस तरह से अगर हमारा 8 नंबर सीव है, उतना सबसे बड़ा पाउडर हमारा 8 नंबर है, अगर हमारा 80 नंबर सीव है तो सबसे छोटा पार्टिकल हमारा 80 नंबर है, ठीक है। ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल कर देगा आपके फार्मास्यूटिक्स में, इंडस्ट्रियों में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज की, कि पाउडर की एडवांटेज क्या क्या होती है, ठीक है। दीज आर द ओल्डेस्ट डोजेस फॉर यूज फॉर द इंटरनली और एक्सटर्नली। जो हमारा पाउडर्स होता है ये बहुत ही ओल्डेस्ट, मतलब बहुत ही पुराना डोजेस फॉर्म होता है, जो कि हम दोनों जगह यूज करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जगह, ठीक है। यही एक ऐसा हमारा ओल्डेस्ट, क्योंकि जो पाउडर होता है हम दोनों तरह यूज करते हैं, और बहुत ही पुराना डोजेस फॉर्म में है। इंटरनली हम बॉडी के अंदर भी लेते हैं और एक्सटर्नली बॉडी के बाहर भी इसको यूज किया जाता है। दे आर इजी टू प्रिपेयर एंड इजी टू यूज। इसके जो प्रिपरेशन होते हैं बहुत ही इजी होता है, ठीक है। जो एक्सट्रैक्ट होता है ड्राई करते हैं, ड्राई करके उसको फॉर्मेशन बना लेते हैं पाउडर के फॉर्मेट में, तो इसको बनाना बहुत ही इजी होता है, इसका यूज करना भी बहुत ही इजी होता है, ठीक है। जैसे अगर दूध पाउडर की मैं बात किया, क्या लेना, दूध पाउडर लेंगे, गर्म पानी में डिजॉल्व करेंगे, पी जाएंगे, इसका यूज भी बहुत ही सिंपल से है, ठीक है। यह पाउडर है आपको लगाना है, बॉडी पे लगाना है, लिया पाउडर, नेचुरल का पाउडर लिया, हम नेचुरल का प्रचार नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, आपने एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरल का पाउडर लिया, आपने अपने बॉडी पे जहाँ पे यूज करना है वहां पे लगाया, तुरंत इसको यूज करना भी इजी है और बनाना भी इजी होता है। दे आर मोर स्टेबल देन द लिक्विड एंड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। ये मोर स्टेबल होता है लिक्विड और सेमी सॉलिड की। अब हम बात करेंगे लिक्विड और सेमी सॉलिड और पाउडर की फॉर्मेशन में, ठीक है। अब इसको डिफरेंट आपको समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आटा की, ठीक है। आटा क्या होता है आप लोग पता होगा, गेहूं का जो रोटी बनाते हो आटा, ठीक है। आटा हमारा क्या है, ये पाउडर है, ठीक है। आटा हमारा क्या है, पाउडर। अब हमारा एक होता है गूंथा आटा, ठीक है, जिसको हम गूंथ देते हैं, ठीक है, जिसको हम गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, ये हमारा होता है सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड। एक होता है, एक हम आटे में ज्यादा पानी मिला देते हैं, वो लिक्विड बन जाता है, ठीक है, हम उस पानी ज्यादा पानी मिला देते हैं वो, और हमारा लिक्विड बन जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले देखा जाए तो क्या खराब होगा, क्योंकि लिक्विड वाला सबसे पहले खराब होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स वाटर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, जब वाटर ज्यादा अमाउंट में तो कंटेमिनेशन चार्जेस जल्दी होगा, ये जल्दी हमारा माइक्रोब ग्रोथ करता है। उसके बाद देखा जाए तो दो चार दिन तक हमारा एक गूंथा आटा भी चलेगा, बहुत ज्यादा चले एक दिन दो दिन, अगर बहुत ज्यादा चलेगा फ्रिज में रखते हैं 3-4 दिन चल जाएगा, ठीक है। बट जो आपका आटा होता है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, आप इसको महीनों भर रख सकते हैं और 2 महीने तक भी रख सकते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड डोजेस फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरह से हमारा पाउडर होता है, पाउडर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन होता है, ठीक है, पाउडर को आसानी से बनाया भी जा सकता है। द हाई डोज ऑफ द ड्रग पाउडर फॉर्म इजीली एडजस्टेड बाय द मिक्सिंग विद द फूड और ड्रिंक। ज्यादा अमाउंट में हम पाउडर्स भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर हाई डोज है, ठीक है, हमें हाई डोज देना है तो टेबलेट खाने में या लिक्विड पीने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बट जो पाउडर होता है इसको हम ज्यादा अमाउंट में ले सकते हैं। कैसे, हम किसी पानी में, ठीक है,
किसी पानी में मिला लेंगे या किसी खाने में हम मिला लेंगे, जैसे प्रोटीन लोग पीते हैं ठीक है, जो जिम हम करते हैं वो प्रोटीन पीते हैं, देखेंगे ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन यूज करते हैं ठीक है, अगर उतना टेबलेट दिया जाए लिक्विड दिया जाए और नहीं पी पाते हैं ठीक है, बट आपको अगर पाउडर से उतना पीना है तो वो इसलिए पी लेते हैं। कैसे यूज करना है, हम फ्रूट में मिला देंगे ठीक है, खाने में या पानी के साथ किसी दूध में मिला के वो लोग पीते हैं ठीक है, मोस्टली दूध में ही वो पीते हैं। पाउडर हैविंग लार्ज सरफेस एरिया डेट हेल्प्स फॉर द रैपिड एब्जॉर्प्शन डिसॉल्यूशन, हमने क्या बोला, जिसकी सरफेस एरिया ज्यादा होगी ठीक है, जिसकी सरफेस एरिया ज्यादा होगी उसकी एब्जॉर्प्शन और डिसॉल्यूशन दोनों रेट ज्यादा होगा ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वो एब्जॉर्ब करने की क्षमता, सोखने की क्षमता उसकी ज्यादा होती है और उतने ही जल्दी वो डिजॉल्व हो जाती है हमारे वाटर के अंदर, किसी भी व्हीकल के अंदर उतने ही जल्दी डिजॉल्व हो जाती है। तो जिस चीज की पाउडर की हमने बोला पाउडर की सरफेस एरिया ज्यादा होती है, जिसकी सरफेस एरिया ज्यादा होगी उसकी डिसॉल्यूशन रेट उतना ही ज्यादा होगा ठीक है। अब डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुराइयां भी हैं। सबसे पहले इसके डिसएडवांटेज है एक्यूरेसी इन डोज, हमें पर्टिकुलर की एक्यूरेट डोज नहीं मिल पाती है ठीक है, इसकी देखा जाए पर्टिकुलर एक्यूरेट डोज नहीं मिल पाती है। अगर हम बोल रहे हैं 500 mg हमें लेना है ठीक है, 5 mg हमें लेना है, तो अगर हम एक कैप में लेते हैं ठीक है, ढक्कन में ही लेते हैं, इसमें 5 mg ज्यादा हो जाता है 5 mg से कम हो जाता है, क्योंकि हम कैप से नहीं अपने आप से ही एक पेच लिया, पेच के ऊपर हमने पलट लिया पाउडर को, पेच के ऊपर हमने पाउडर को पलट लिया, तो कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, तो हमें पर्टिकुलर इसकी डोजेज की एक्यूरेसी नहीं होती है। ड्रग हैविंग द बिटर एंड अनप्लीजेंट टेस्ट कैन नॉट बी डिस्पेंस द पाउडर फॉर्म, जो मेडिसिन हमारे बिटर और अनप्लीजेंट टेस्ट होती है ठीक है, जो कड़वा टेस्ट होती है जो पसंद टेस्ट नहीं होती है, उसको हम पाउडर फॉर्मेट में डिस्पेंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद ही कड़वा है किसको देंगे, कौन खाएगा वो कड़वा रहेगा, तो ये भी इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ड्रग विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर नॉट सुटेबल फॉर द डिस्पेंसिंग इन द पाउडर फॉर्म, ऐसा ड्रग जो हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन को सुटेबल नहीं करता इफेक्ट कर देते हैं ठीक है, हमारे जो एटमॉस्फेरिक स्पेस है ठीक है, हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन हमारा जो वातावरण है अगर ठंडा हो जाता है तो जो पाउडर है देखेंगे मॉइस्चराइज बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं ठीक है, मॉइस्चराइज हो जाते हैं ठीक है, मॉइस्चर कंटेन कर लेते हैं, इसलिए वो सुटेबल नहीं होते डिस्पेंस करने के लिए पाउडर फॉर्म में। हम उसको पाउडर फॉर्म में क्यों खुला हुआ है ठीक है, अगर खुला हुआ हम उसको दे रहे हैं उसमें कंटेमिनेट हो गया ठीक है, हमारे मॉइस्चर आगे उस पर बैठ गए तो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। द डिस्पेंसिंग ऑफ द पाउडर इज द टाइम ऑफ कंज्यूमिंग, जो पाउडर की डिस्पेंसिंग होती है ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है ठीक है, बहुत ही ज्यादा टाइम लेता है। अगर आप देखेंगे आपको एक बिस्किट लेना है ठीक है, अगर आपको एक पैकेट सॉरी 1 किलो तेल लेनी है, हम एग्जाम्पल लेते हैं 1 लीटर आपको तेल लेना है और 1 किलो आपको आटा लेना है ठीक है, अब आटा को देखेंगे हाँ भैया 500 ग्राम हो गया, 700 हो गया, 750, 800, 900, 950, मतलब टाइम कंज्यूम ज्यादा करता है क्योंकि पर्टिकुलर हमें पता नहीं होता। 1 लीटर तेल देना भैया लगाना वो वेट की है या डायरेक्ट बोतल है, बोतल उठा के आपको दे दिया, तो जो आपको देखेंगे पाउडर होता है वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है डिस्पेंस करते टाइम। क्वांटिटी लेस देन द 100 mg कैन नॉट बी वेट कन्वीनियंट फॉर द डिस्पेंसिंग वैलिड, अगर जिसकी क्वांटिटी अगर हमारी 100 mg से कम है ठीक है, अगर जिसकी क्वांटिटी 100 mg से कम है तो उसकी जो वेट के कन्वीनियंटली होती है ना और डिस्पेंसिंग बैलेंस अजीब से बिगड़ जाती है, उसकी डिस्पेंस अच्छे से नहीं हो पाता, तो कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है कभी बहुत ही ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स में ठीक है, इसलिए उसका जो संतुलन है अच्छे से हमारा नहीं बन पाता है, उसकी जो कन्वीनियंट होती है जो भारित नहीं किया जाता है हम उससे उसको अच्छे से डिस्पेंस नहीं कर सकते क्योंकि क्वांटिटी कम मात्रा में, और 100 mg से 100 mg थोड़ा सा है, 100 mg मतलब बहुत ही कम होता है, 1 ग्राम में मतलब 1000 mg होता है, तो मतलब 1 ग्राम से भी कम है। अब बात करते हैं इफरविसेंट पाउडर की ठीक है, अभी तो हमने डस्टिंग पाउडर बात किया, अब बात करते हैं इफरविसेंट पाउडर क्या होती है। इफरविसेंट पाउडर क्रिएट द कार्बोनेट ड्रिंक विद एडेड द रूम टेम्परेचर इन वाटर, जो इफरविसेंट पाउडर होता है ये क्या करता है कार्बोनेट ड्रिंक को क्रिएट करता है, अगर हम उसको अपने रूम टेम्परेचर में वाटर के अंदर अगर हम डिजॉल्व करते हैं ठीक है, जैसे हम वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं वो क्या करता है कार्बोनेट ड्रिंक को क्रिएट करता है, उसकी कार्बोनेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको एग्जांपल में बात किया जाए इनो आप लोगों ने देखा होगा, इनो का हम क्या लेते हैं 1 लीटर पानी लेते हैं सॉरी 1 ग्लास पानी लेते हैं, पानी के अंदर जैसे हम इनो के पार्टिकल्स डालते हैं ये देखेंगे कार्बोनेशन इसमें स्टार्ट हो जाएगी, इसमें CO2 रिलीज होने लगता है तुरंत, जब हम यूज करते हैं जो बताते हैं ना 5 से 6 सेकंड के अंदर आपकी एसिडिटी को खत्म कर देता है, तो इनो पार्टिकल्स क्या होता है कार्बोनेशन स्टार्ट हो जाती है, ये बहुत जल्दी से इफेक्ट करता है, इसलिए हम इनो पाउडर बहुत ही बेस्ट एग्जांपल से इफर्वेसेंट पाउडर या इफर्वेसेंट ग्रेनुल्स का ठीक
ठीक है। अब बात की इनो पाउडर की, तो इनो हमारे ग्रेनुल्स भी है, पाउडर्स भी है, ये डिफरेंट डिफरेंट ये फार्मास्यूटिकल का कंपनी रखेंगे, कुछ इसको पाउडर बताती है, कुछ इसको ग्रेनुल्स बताती है, ठीक है। इसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स है, कुछ हमारे जैसे पाउडर्स हो गए हैं जो लार्ज अमाउंट में मिलते हैं, क्योंकि हमारे जो पाउडर होते हैं ग्रेनुल्स इफर्वेसेंट पाउडर होते हैं, ये कुछ ज्यादा मात्रा मिलते हैं, कुछ कम मात्रा में भी मिलते हैं, तो ऐसे जो इफर्वेसेंट ग्रेनुल्स होता है वो ज्यादा अमाउंट में मिलता है, ठीक है। इसलिए जो ग्रेनुल्स होता है वो छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स होते हैं, जो पाउडर के साइज होंगे उसमें थोड़े बड़े होंगे एज कम्पेयर पाउडर के, पाउडर से थोड़ा बड़ा होता है, तो इनो में देखेंगे इनो में पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर पाउडर के, बट फिर भी इनो को पाउडर बोला, इनो पाउडर बोलते हैं ना कि हमें एक इनो पाउडर दे दिए, इसको पाउडर और ग्रेनुल्स दोनों में इंक्लूड कर रखे हैं। दिस डोज फॉर्म इज यूजफुल फॉर द पेशेंट हु डेंट हैव द कोलरेट द कैप्सूल एंड टैबलेट, हु नीड द हाई डोज एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट, हु नीड द और मोर पोर्टेबल एंड फ्लेवर फॉर द ड्रग। ये क्या बोला है, ये जो हमारे डोजेस फॉर्म होता है इफर्वेसेंट जो पाउडर्स हमारे होते हैं, ये क्या करता है, जो पेशेंट हमारे टॉलरेट नहीं कर पाते टैबलेट या कैप्सूल, जो हमारे टैबलेट और कैप्सूल दोनों को टॉलरेट नहीं कर पाते, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, और उनको जरूरत पड़ती है हाई डोज में हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ जो हम नीड करते हैं कि हम इफर्वेसेंट पाउडर्स लेंगे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही फ्लेवर होता है, ये डिफरेंट। अगर हम इनो की बात करें, इनो का आपका देखेंगे ऑरेंज फ्लेवर भी आता है, ठीक है, लेमन फ्लेवर भी आता है, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के भी आपके आते हैं, ऐसा नहीं है एक ही फ्लेवर के हमारा इनो होता है। इसके जो कलर होंगे, कलर की देखेंगे ऑरेंज होता है, कुछ आपका देखेंगे ग्रीनिश होता है, जो लेमन वाला होता है वो ग्रीनिश होता है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, जिस डोज फॉर्म से यूजफुल होता है पेशेंट, ऐसा जो हमारे पेशेंट होते हैं ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, जो टैबलेट और कैप्सूल उन्हें पसंद नहीं होता है, क्योंकि उन्हें नीड पड़ती है हाई डोज में एक्टिव इंग्रेडिएंट लेने की, और हु नीड द मोर पोर्टेबल एंड फ्लेवर फॉर द ड्रग, क्योंकि इसकी जो हम इसमें फ्लेवर भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो इसका स्वाद भी बढ़ जाता है, ठीक है, इसलिए ये ड्रग हम यूज करते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्बोनेशन एंड फ्लेवर, ठीक है, क्या कॉम्बिनेशन करते हैं कार्बोनेट के, ठीक है, उसमें कार्बोनेट भी होता है और फ्लेवर भी होता है। देखिए हमने एग्जांपल लिया ना, हमारे कोई भी फ्लेवर हो, मैंगो फ्लेवर हो सकता है, या कुछ पैशन फ्रूट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें बेरी भी हो सकता है, लेमन भी हो सकता है, ऑरेंज फ्लेवर भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे फ्लेवर्स के भी आते हैं। बट कैन मार्क द नेगेटिव टेस्ट एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो भी उसके अंदर एपीआई है उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो नेगेटिव टेस्ट है, मतलब अनप्लीजेंट टेस्ट है या बिटर टेस्ट है, टेस्ट उसका अजीब सा है, तो उसको मार्क कर देते हैं, उसके अंदर फ्लेवर हम मिला देते हैं। अब बात करते हैं इफर्वेसेंट ग्रेनुल्स की, ठीक है, अब हम बात करेंगे इफर्वेसेंट ग्रेनुल्स। तो जो ग्रेनुलर सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है वो कंसिस्टिंग करता है वन और मोर एक्टिव मेडिकमेंट फॉर द ड्राई मिक्स, यूजुअली कंपोज द सोडियम कार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, व्हेन एडेड इन वाटर द एसिड एंड बेस रिएक्ट द लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्टिंग एंड इफर्वेसेंस एंड आर द एडजस्टेड फॉर द कार्बोनेट सॉल्यूशन। अब बात अभी तक हमने इफर्वेसेंट पाउडर की बात की है, ठीक है, अभी तक हमने इफर्वेसेंट पाउडर की बात की, अब बात कर रहे हैं इफर्वेसेंट ग्रेनुल्स क्या होती है, ठीक है। अब इफर्वेसेंट ग्रेनुल्स ऐसा ग्रेनुल्स जो हमारा इंसफ्लेंट निकले, इफर्वेसेंट करे, ठीक है, जिसमें से झाग निकले, नॉर्मल बात है, झाग जो हमारा ग्रेनुलर सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में होते हैं, ठीक है, ग्रेनुल्स पार्टिकल साइज में होते हैं, ठीक है, कंसिस्ट करता है एक या एक से अधिक उसके अंदर जो मेडिकमेंट होता है एपीआई होता है, ठीक है, इन अ ड्राई मिक्सचर, इसके एक सूखे फॉर्मेशन में ऐड करते हैं, यूजुअली कंपोज ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सिट्रिक एसिड होता है या टार्टरिक एसिड होता है, जैसे इसको हम ऐड करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर हमने ऐड किया, उसकी जो एसिड और बेस है, क्योंकि एसिड बेस उसमें हम रिएक्ट करते हैं उसमें वाटर के अंदर, ठीक है, एसिड बेस रिएक्ट करती हैं और लिबरेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फिर इसको CO2 बाहर निकलने लगती है, तो रिजल्टिंग जो हमारा होता है ये इफर्वेसेंस में निकलता है, ठीक है, कुछ में देखेंगे बुदबुदाहट सी होती है जिसके अंदर बुलबुले से निकलने इफर्वेसेंस निकलने लगते हैं और फिर इसको हम इंटेक करते हैं एज ए कार्बोनेट सॉल्यूशन, तो ये हमारा एज ए कार्बोनेट सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं बॉडी के अंदर हमारे जैसे एसिडिटी, हमने बात करें इनो की भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो आपका ORS है या ग्लूकोन डी है, ठीक है, या आपका एनर्जी पाउडर है, ये सब पाउडर हमारे इफर्वेसेंट ग्रेनुल्स इफर्वेसेंट पाउडर में दोनों में होता है, जिसके पार्टिकल साइज थोड़ा ज्यादा हो तो वो हमारा इफर्वेसेंट ग्रेनुल्स हो जाते हैं, ठीक है, तो ज्यादा वेरिएशन है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है इफर्वेसेंट पाउडर इफर्वेसेंट ग्रेनुल्स में पार्टिकल साइज के और कुछ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात है। अब बात करें फॉर्मेशन की कैसे बनता है, कुछ इसके अंदर एक्टिव मेडिकमेंट्स होते हैं, क्या क्या हम एक्टिव मेडिकमेंट्स हो सकता है एज एंटी एसिड, ठीक है, एंटी एसिड ज्यादा ही होता है, ठीक है, जो आप इनो की बात करते हैं क्या बोलता है आपकी एसिडिटी को कम करता है, आपके गैस गैस ही बहुत ही बड़ा बीमारी होता है,
तो ये इसको बोलते हैं ना गैस के थ्रू रिलीज करता है, CO2 के थ्रू अंदर जाता है एज अ लग्जेटिव एंटीबायोटिक या एंटीपायरेटिक हमारी होती है। इसके हमारे अंदर मेडिकेमेंट भी ऐड होती है, ये आपको सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड भी इसके अंदर होती है। कुछ स्वीटनिंग एजेंट हम उसके मिलाते हैं मीठा होने के लिए, ठीक है। ग्लूकोन डी देखेंगे उसके जो टेस्ट होगा मीठा होता है थोड़ा, जिसकी वजह से हम सुक्रोज और एस्पार्टम मिलाते हैं, ठीक है। एस्पार्टम और सुक्रोज दोनों हम इसके अंदर मिलाते हैं जिसके उसका टेस्ट मीठा हो जाए। कुछ कलरिंग एजेंट मिलाते हैं जो उसका कलर आ जाए, ठीक है, जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड या टर्मरिक मिलाते हैं। कुछ हम फ्लेवरिंग एजेंट भी मिलाते हैं, ठीक है। फ्लेवरिंग एजेंट मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं फ्लेवर के लिए, हम पेपरमिंट ऑयल्स मिलाते हैं या लेमन ऑयल्स मिलाते हैं ताकि उसका फ्लेवर चेंज हो जाए। जो इफेक्टिव ग्रेन सॉल्ट जो होता है हम प्रिस्क्राइब करते हैं बल्क फॉर्म, जो ग्रेनुल्स होता है इफेक्टिव जो ग्रेनुल्स होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। अगर हमने अगर बात किया पहले जो मिलता था ग्रेनुल्स मिलता था वो ज्यादा अमाउंट में मिलता था, ये तो अब हमने पाउच में कर दिया। पहले अमाउंट ज्यादा ही जो इफेक्टिव ग्रेनुल्स होता है वो ज्यादा अमाउंट में मिलता है। देखेंगे ग्लूकोन डी लेने जाएंगे एक पाव आधा किलो ऐसा तो नहीं है तो 10 ग्राम 2 ग्राम जैसे हम मेडिसिन लेते हैं 5 ग्राम जी ऐसा मिले तो वो ज्यादा अमाउंट में हमारा मिलता है। एग्जाम्पल लेखे ग्लूकोन डी की, या ग्लूकोन डी आप लोगों ने देखा होगा तो एक बॉक्स में आता है, ठीक है। डब्बे के फॉर्मेशन में भी आता है हमारा, जो हमारा डब्बा बॉक्स के अंदर होता है, ठीक है। एक हमारा प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर बोतल टाइप के आते हैं, ठीक है। देखेंगे आधा किलो 500 ग्राम होते हैं या तो 250 ग्राम होते हैं, 1 पाव होते हैं, 1 किलो के भी आते हैं, तो ये ज्यादा हमारे अमाउंट में मिलता है, इसको 1 ग्राम 2 ग्राम नहीं मिलते। द इंग्रीडियंट आर मिक्स यूनिफॉर्मली एट द डायरेक्शन ऑफ स्टेट ऑफ द लेबल एट द प्रिस्क्राइब क्वांटिटी वाटर बिफोर यूज। जो इंग्रीडियंट इसके अंदर मिक्स होता है जो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, अब देखेंगे जो ग्रेनुल्स होता है इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी ज्यादा होती है, ठीक है। इसे वो मिक्स होने की जो ग्रेनुल्स है उसकी जो पार्टिकल साइज है अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और मिक्स होने के बाद अगर पाउडर से कंपेयर किया जाए तो पाउडर में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते हैं। यहाँ क्या कर रहा है, द इंग्रीडियंट आर मिक्स यूनिफॉर्मली, जो इसके अंदर इंग्रीडियंट है वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। डायरेक्शन स्टेटेड ऑन द लेबल टू एड द प्रिस्क्राइब क्वांटिटी, हम प्रिस्क्राइब क्वांटिटी देते हैं और उसमें लिखा होता है वाटर बिफोर यूज, हम उसके अंदर वाटर यूज मिलाते हैं क्योंकि हम पानी मिलाते हैं। ग्लूकोन डी की बात करते हैं तो ग्लूकोन डी क्या करते हैं डायरेक्ट पाउडर फॉर्मेट में ग्रेनुल्स के फॉर्मेट में नहीं लेते हैं, तो ग्रेनुल्स के फॉर्मेट में ना लेके हम क्या करते हैं पानी के अंदर डिजॉल्व करके फिर उसको यूज करते हैं। इसके एडवांटेज की बात किया जाए तो दे हैव द गुड फ्लोबिलिटी देन पाउडर, इसकी जो फ्लोबिलिटी होती है, फ्लोबिलिटी मतलब जैसे आपको एग्जांपल दे इसकी जो प्रॉपर्टी जैसे ऊपर से गिरा रहे हैं इसकी जो फ्लो होती है वो ज्यादा इस टाइप से गिरती है, ठीक है। बट पाउडर की देखा जाए तो ऐसे दिखती है, इसकी फ्लो प्रॉपर्टी भी ज्यादा होती है। दे ऑल्सो रिमूव द कंट्रोल द डस्ट, ये हमारे जो डस्ट पार्टिकल होता है इसको रिमूव करता है और इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। दे इंक्रीज द कंप्रेसिबिलिटी, इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है दबाव होने की क्षमता है वो भी ज्यादा होती है क्योंकि पार्टिकल साइज थोड़े बड़े होते हैं तो अच्छे से वो दब जाते हैं। दियर फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी इज द मोर मच, ठीक है, मच मोर, ये जो इसकी फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी होती है ये ज्यादा होती है किसकी कंपेयर में, एज कम्पेयर टू पाउडर, क्यों, क्योंकि उसकी जो है स्मॉलर सर्फेस एरिया, पाउडर की सर्फेस एरिया कम होती है, ग्रेनुल्स की सर्फेस एरिया ज्यादा होती है। दे कीप राइस पार्टिकल साइज यूनिफॉर्मिटी विद द फर्दर लीड टू द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, ये क्या करता है कि जो पार्टिकल साइज होता है यूनिफॉर्मिटी होती है जो फर्दर लीड करता है हमारे जो कंटेंट होती है वो इसकी यूनिफॉर्मिटी मिल जाती है, जितना अमाउंट चाहिए उतना ही अमाउंट में हमारा मिलता है, ज्यादा इसमें मोस्टली वेरिएशन नहीं आता है। अब हम बात कर रहे हैं स्टेराइल फॉर्मुलेशन की, ठीक है, कि स्टेराइल फॉर्मुलेशन क्या होता है। स्टेराइल डोजेस फॉर्म आर दोस विच आर फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टेराइल फॉर्मुलेशन क्या होता है, स्टेराइल डोजेस फॉर्म वो डोजेस फॉर्म होता है जो फ्रीली फॉर्म होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जिसमें बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता, ना कोई डस्ट पार्टिकल्स होता है, ना ही फाइबर्स होते हैं, ना ही कोई भी अदर पार्टिकल फॉरेन पार्टिकल्स होता है। एंड शुड बी आइसोटोनिक, ये हमेशा आइसोटोनिक होता है, ठीक है, जो हमारा स्टेराइल फॉर्मुलेशन होता है, ठीक है, जो हमारा स्टेराइल फॉर्मुलेशन होता है उसको अगर देखा जाए तो वो हमेशा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री रहता है, डस्ट पार्टिकल से भी फ्री रहता है, उसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल या उसके अंदर कोई भी हमारा फाइबर्स या कोई फॉरेन पार्टिकल ये सब उसके अंदर नहीं होता है, ये हमारा एक आइसोटोनिक होना चाहिए, ठीक है, स्टाइल फॉर्मुलेशन हमेशा आइसोटोनिक होना चाहिए। द पेरेंटल प्रिपरेशन नेम एज द सजेस्ट, जो हमारा पेरेंटल प्रिपरेशन होता है इसको नेम सजेस्ट किया गया प्री इंटेरल, ठीक है, पर इंटेरल, ये पर प्लस इंटेरल के फॉर्मेशन में किया है, ये हमारे बॉडी के अंदर कैसे इंटेक करते हैं, हम बॉडी के अंदर जाता है और दोस विच आर एडजस्टर द इंटरनल रूट, ठीक है, ये हम इंटरनल रूट देते हैं बट बॉडी के पर इंटेरल रूट में देते हैं, बॉडी के अंदर देते हैं बट अदर देन द इंटेरल रूट, मतलब माउथ के थ्रू हम नहीं देंगे इसको, अदर रूट से देते हैं, अदर रूट से देते हैं बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंजेक्टेबल हो गया, ठीक है, इंजेक्टेबल की हम बात कर रहे हैं, इंजेक्टेबल क्या होता है, डायरेक्ट हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, इसको माउथ के अंदर नहीं होता कि लो भैया 1 ml है आप पी लो, ये टीटी का इंजेक्शन है आप पी लो, ऐसा नहीं होता, हम इसको इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर देते हैं, बैटरी डायरेक्ट
पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, जैसे आईएम देना है तो हम इंट्रामस्कुलर में देते हैं, ठीक है, आईवीवी देना है तो हम इंट्रावेनस में देते हैं। इंजेक्टेबल आर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द इंजेक्शन, ये हमारा सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द इंजेक्शन, इंजेक्शन के हेल्प से, ठीक है, सिरिंज और नेडल की हेल्प से इसको हम डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करते हैं। मेनी स्टेराइल प्रिपरेशन एक्टिव इंग्रेडिएंट आर द ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ द एम्पुल्स, जो कुछ स्टेराइल हमारे फॉर्मुलेशन होते हैं या प्रिपरेशन होते हैं मुख्य देखेंगे एम्पुल्स के फॉर्म में जाते हैं, ठीक है। एम्पुल्स की बात किया जाए, एक पता है कांच की शीशी होते हैं एम्पुल्स के फॉर्म में आएगी, या आईवी बोतल के फॉर्म में होते हैं, इंट्रावेनस जो होते हैं बोतल से हमारे आती हैं, ठीक है। इट एडमिनिस्टर्ड थ्रू द रूट आईएम आईवी एंड सबक्यूटेनियस, ये जो हम इंजेक्टेबल होता है इसको मोस्टली हम अदर अदर रूट से देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं इंजेक्शन का मतलब सिर्फ एक ही है कि बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देना, इंजेक्शन लगाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। कुछ आपके जो होते हैं आईवी होते हैं, ठीक है, आईवी एक होता है आपका, आईएम एक होता है, एससी, ठीक है, सबक्यूटेनियस, ठीक है। आईवी क्या होता है, आपके जो नसों के अंदर लगाया जाता है, आईवी क्या होता है आपके जो नसों के अंदर लगाया जाता है इंट्रावेनस, आईएम क्या होता है इंट्रा मस्कुलर जो मसल्स के अंदर लगाया जाता है, एससी क्या होता है सबक्यूटेनियस जो आपके सबक्यूटेनियस लेयर पे लगाया जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रूट भी होता है इंजेक्शन का, ऐसा नहीं है इंजेक्शन लिया ठोक दिया किसी को, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टेराइल फॉर्मेशन आई ड्रॉप, ठीक है, आई ड्रॉप क्या होता है, दिस आर द एक्वस और ऑयली सोल्यूशन ऑफ द सस्पेंशन दैट इज इंस्टॉल इन टू द कंजक्टाइवल सैक ऑफ द आई। आई ड्रॉप क्या होते हैं, जब हमने एक्वस या एक्वस ऑयल होता है या एक्वस सोल्यूशन या सस्पेंशन होता है जो इंस्टॉल करते हैं अपने कंजक्टाइवल सैक में, आई के कंजक्टाइवल सैक में। अभी क्यों करते हैं, एज ए क्लीनिंग पर्पज से करते हैं या कोई भी हमारा एंटी सेप्टिक के यूज करते हैं, कोई डायग्नोस करने के लिए हम यूज करते हैं, मायोटिक या मेडियाटिक, मायोटिक मतलब होता है जो हमारे पिपिल का सरफेस एरिया पिपिल को डायलेट कर दे, मैडेटिक क्या होता है जो कस्ट्रेट कर दे, ठीक है, सॉरी जो मायोटिक होता है जो कस्ट्रेट कर लेता है, मैडेटिक जो डायलेट कर देता है, या कोई आर्टिफिशियल टीएस की वजह से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो कहाँ यूज करते हैं, दिस आर यूज एज द एंटी एनेस्थेटिक्स, ये हम कहाँ यूज करते हैं, एज एनेस्थेटिक्स यूज करते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक ड्रग यूज करते हैं कोई भी डायग्नोसिस एजेंट के लिए, ठीक है, कोई मायोटिक इफेक्ट यूज करते हैं या मेडिएटिंग इफेक्ट शो कराने के लिए या आर्टिफिशियल टीएस के लिए हम आई ड्रॉप यूज करते हैं। मोस्टली अभी आप लोगों ने देखा होगा तो आपका आया था आई फ्लो, ठीक है, आई फ्लो मोस्टली बहुत तेजी से फल रहा था, ठीक है, देखते कंजक्टिवाइटिस करते थे, ठीक है। अब ये जो कंजक्टिवाइटिस थी, कंजक्टिवाइटिस क्या थी, आई फ्लू जो था हमारा, ये आंख आ जाना हमारे, इसमें आंखें लाल हो जाती थी, ठीक है, आंखें हमारे लाल हो जाती थी, आंखों से बहुत ज्यादा क्लियर निकलता था, तो हम वहां पे ड्रग्स यूज करते थे, आई ड्रॉप यूज करते थे। एक आता हम आई ड्रॉप आता है ओफ्लॉक्स डी, ठीक है, ओफ्लॉक्स डी के नाम से आता था, ठीक है। अब ये ओफ्लॉक्स डी क्या करता, क्लीनिंग के पर्पज से ये क्लीन करता था, ठीक है, तो आंखों में जो भी कीचड़ था उसको क्लीन करता था, वो रिलीफ देता था जिससे हमारे आंखें लाल ना हो। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रखा है, एट्रोपिन सल्फेट आई ड्रॉप आता है हमारा, ठीक है, या फाइसो स्टिगमिन हमारा आई ड्रॉप आता है, या हाइसाइन हमारा आईड्रॉप होता है, हमारे क्लीनिंग के एंटी इंफ्लामेटरी भी होता है, एंटीसेप्टिक भी होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए हम आईड्रॉप यूज करते हैं। आप बात करते हैं आई ऑइंटमेंट, ठीक है, जो आई ऑइंटमेंट भी होता है ये भी हम इसी की पर्पज से यूज करते हैं, इसकी जो थेरापेटिक इफेक्ट जो होता है ये कुछ ज्यादा टाइम भी होता है, ये लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू ड्रॉप के फॉर्मेशन में, ठीक है। दिस आर प्लेस इन टू द कंजक्टाइवल सैक, इसको भी हम कंजक्टाइवल सैक के फॉर्मेशन, जहाँ खाली स्थान पे जो हमारे आंख की जो खाली स्थान होती है ये एरिया जो होती है, ठीक है, ये एरिया यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अप्लाइड फॉर द मार्जिन ऑफ द आईलिड, ये जो आपका आईलिड होता है ना, ये हमने बताया इस एरिया पे हम इसको यूज करते हैं, आईलिड के जो थोड़ा जगह खाली होता है वहां पे यूज करते हैं। ऑइंटमेंट जो होता है ये थोड़ा थीकर होता है ड्रॉप से, ठीक है, ये थोड़ा मोटा होता है ड्रॉप से, दैट मीन्स दे कैन स्टे इन योर आई लॉन्गर, इसलिए ये थोड़ा जो आपकी आंखों में ज्यादा समय तक रहता है, आपकी आंखों में जो हमारा ऑइंटमेंट होता है ये थोड़ा क्योंकि हमारा विस्कस होता है, ठीक है, और ये थोड़ा थीक होता है, जब थीक होता है तो ये हमारा ड्रॉप से थीक होता है, ज्यादा टाइम तक ये हमारे रहते हैं, ड्रॉप डालेंगे तो आंख में तुरंत आता बाहर निकल जाता था, बट इसमें ऐसा नहीं है, ये ज्यादा टाइम तक रहता था। दे आर यूज व्हेन द मेडिसिन नीड टू द वर्क डायरेक्टली इन योर आई टू द रिलीव द ट्रीट आई कंडीशन, ये कहाँ यूज करते थे, जब भी हमें हमारे आंखों में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, कोई भी आंखों में दिक्कत आती है तो हम ये मेडिसिन यूज करते थे, ठीक है। दिस आर द यूज व्हेन द मेडिसिन नीड टू वर्क डायरेक्टली इन योर आई, जब जरूरत हो कि आपकी मेडिसिन डायरेक्ट आपकी आंखों में ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप मुंह से खा रहे हो सही हो जा रहा है, ठीक है, आपकी आंखों में ही जाना चाहिए, तब इसको कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आई प्रॉब्लम है या आई कोई भी कंडीशन हो सकता है आई का, ठीक है, उसको रिलीफ लाने के लिए ट्रीट करने के लिए हम आई ऑइंटमेंट यूज करते हैं। ऑइंटमेंट को हम
उस टाइम में यूज करते हैं प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए। इसके एग्जांपल है जैसे बेसिट्रेसिन, ठीक है, बेसिट्रेसिन हम ये भी यूज करते हैं, या ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट आता है जो क्लीनिंग की पर्पज से यूज करते हैं, तो ये सारे ऑइंटमेंट आता है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसका जो आपका नोट्स है, ठीक है, अगर आप A4 साइज में नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.notescard.com, वहां से आपको A4 साइज में अच्छे से नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, अब इम्यूनोलॉजिकल मतलब क्या होता है, इम्यूनोलॉजी की बात किया जाए, इम्यूनोलॉजी क्या होता है, इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम की स्टडी करना ही इम्यूनोलॉजिकल कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। ठीक है, जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है, तो इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी, इम्यूनिटी हमारी बॉडी की ऐसी क्षमता होती है, ऐसी एबिलिटी होती है टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसकी अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है, हमारी बॉडी को बचाती है, उसके अगेंस्ट बचाती है, लड़ने की क्षमता रखती है, उसी को बोलते हैं हमारी इम्यूनिटी। ठीक है, एवरी डे आवर बॉडी कम्स इन द कंटेक्ट ऑफ द सेवरल पैथोजेंस बट ओनली वन फ्यू रिजल्ट इन टू डिजीज। एवरी डे की अगर बात किया जाए तो प्रत्येक दिन हमारी जो बॉडी होता है बहुत सारे पैथोजन के कंटेक्ट में आता है, बट कुछ ही ऐसे हमारे पैथोजन होते हैं जो कि डिजीज हमारे कॉज करते हैं, बाकी जो हम नॉर्मल हमारे जो होते हैं, हमारे जो इम्यून सिस्टम होती है उससे इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, एंटीबॉडी रहती है हमारे बॉडी में, उससे लड़ने की क्षमता उसके अंदर होती है, वो पहले ही फाइट कर लेती है। द रीजन इज आवर बॉडी हैज एबिलिटी टू रिलीज द एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस पैथोजन एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज। हमने क्या बोला भी? हमारी जो बॉडी, इसका मेन रीजन क्या है, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक एबिलिटी है कि वो एंटीबॉडीज रिलीज करती है। कोई भी एंटीजन आता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आता है, हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज रिलीज करती है अगेंस्ट द पैथोजन, जो भी हम पैथोजन आते हैं, और क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है उस डिजीज से। ठीक है, कोई भी जो डिजीज कॉज करने वाली है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, उसे फाइट कर लेता है, पहले ही मार देता है। ठीक है, अगर नॉर्मल से आपको एग्जाम्पल बताऊं तो इस समय अगर भारत पाकिस्तान के युद्ध जो होता है, तो भारत पाकिस्तान से युद्ध करने से पहले हमारी जो सेना है उसको ही मजबूत बना लेती है। ठीक है, हमारी जो सेना है उसको ही मोदी जी मजबूत बना लेते हैं। अब ये मजबूत बनाने का क्या मकसद है कि बाद में कोई सपोजेड कोई बाई चांस हमारे जैसे कोई भी युद्ध होता है तो उसमें हमारे पास ऐसा ना हो कि हमारे पास सेना ही नहीं है। ठीक है, हमारे पास कोई फोर्स ही नहीं है, इसलिए पहले ही हमारी एंटीबॉडी बन रही है, ऑलरेडी हमारी एंटीबॉडी बन चुकी है। जैसे कोई भी पैथोजन आता है, कोई भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, कोई भी अदर देश के हमला करता है, उस पर हमारे जो देश के जवानों हैं वो उनसे फायर करके वहीं पे खत्म करते हैं, हमारे देश में आने ही ना दें। ठीक है, दिस डिफेंस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द इम्यूनिटी, ये डिफेंस मैकेनिज्म को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या होता है, अभी हमने बताया स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यूनोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम। द इम्यून सिस्टम इज अ होस्ट डिफेंस सिस्टम कंप्राइजिंग मेनी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस विद इन द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इन्फेक्शन डिजीज एंड कॉजिंग बैक्टीरिया। क्या करता है, हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है वो होस्ट करता है डिफेंस सिस्टम को, जो कंप्राइज करता है मेनी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड द प्रोसेस, जो बहुत सारे हमारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बॉडी के स्ट्रक्चर्स को और उसकी जो प्रोसेस होते हैं उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। कोई भी जैसे इन्फेक्शन होती है, कोई भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है उससे प्रोटेक्ट करके हमारी बॉडी को रखता है। अब इम्यूनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय अ पर्सन मेड इम्यून और रेजिस्टेंट टू एन इन्फेक्शन डिजीज टाइपिकली बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होता है जो पर्सन हमारे मेड करता है, बनाता है इम्यून सिस्टम को, ठीक है, हमारे एक इम्यून स्ट्रॉन्ग करती है और जो रजिस्टर करता है कोई भी इन्फेक्शन डिजीज को, ठीक है, टाइपिकली बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन। वैक्सीन के थ्रू हम अपने बॉडी को इम्यूनाइज कर लेते हैं, ठीक है, वैक्सीन के थ्रू अपने बॉडी को इम्यूनाइज कर लेते हैं ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी के अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए, हमारी क्षमता होनी चाहिए कि उससे लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, कि वो एंटीबॉडीज बना के उससे लड़ सके। इस तरह हमने कोरोना में देखा कि COVID-19 आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को सभी लोगों को वैक्सीन लगाया गया, ठीक है, अब वैक्सीन लगाने मेन पर्पस क्या था, ताकि किसी को कोरोना ना हो, कोरोना बीमारी COVID-19 किसी को ना हो, हमारी इम्यूनिटी पहले ही बूस्ट कर दिया जाता था। ठीक है, अब देखेंगे तो हमारे दो डोज लगेगा, तीसरा भी डोज लगता है, बूस्टर डोज भी अब लगता है, ठीक है, तीन तीन डोज हमारे लगते हैं जिससे कि हमारी जो बॉडी है पूरी एकदम फुलफिल हो जाती है कि एंटीबॉडीज क्रिएट करने के लिए, कोई भी एंटीजेंस आते हैं, हमारे कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो हमारी जो बॉडी है वो उससे लड़ने की क्षमता रखते हैं। इन द इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशन वैक्सीन डायरेक्ट वैक्सीन की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी हम इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशन या वैक्सीन जो बनाया जा रहा है इसको बनाते हैं डायरेक्ट इनएक्टिव ऑर्गेनिज्म एंड प्रोटीन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर यूज, जो भी हम उसके प्रोटीन पार्ट यूज करते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके हम डायरेक्ट या तो इनएक्टिव कर देंगे उस ऑर्गेनिज्म के, उसके कुछ पार्ट हम यूज करते हैं उसको प्रिपरेशन के उसको बनाने के लिए। रिसेंटली इन द कोविड पेंडेमिक प्लाज्मा प्रोटीन आर यूज इन द वैक्सीन प्रिपरेशन। रिसेंटली में जो कोविड पेंडेमिक हमारा सिचुएशन आया था उसमें हमने प्लाज्मा प्रोटीन यूज किया था वैक्सीन को बनाने के लिए, ठीक है, वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए प्लाज्मा प्रोटीन का यूज किया गया था। दिस प्रोवाइड द टू टाइप्स ऑफ द इम्यूनिटी, ये हमारे दो टाइप्स के इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द बॉडी, ऑन द बेस ऑफ द एंटीजन और
एंटीबॉडीज, हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन और एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज रिएक्शन की हेल्प से हमारी जो बॉडी में होती है उसकी हेल्प से इसको दो टाइप से हमारे इम्यून सिस्टम को डिवाइड किया गया था, दो टाइप के बताया गया था। पहला क्या है, सेल मेडिएटेड इम्यून, ठीक है, ड्यू टू द टी लिम्फोसाइट्स। एक पहला हमारा क्या होता है, सेल इम्यूनिटेड होता है। अभी क्या होता है कि जो सेल मेडिएटेड इम्यून, हमारे जो सेल के अंदर भी इम्यून सिस्टम होती है, ये क्या होता है, ड्यू टू द टी लिम्फोसाइट सेल। हमारे अंदर तीन टाइप के लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है एनके लिम्फोसाइट। बट यहाँ आपको हम दो लिम्फोसाइट के बारे में बताएंगे कि टी लिम्फोसाइट क्या होता है। जो टी लिम्फोसाइट होता है ये हमारे कैंसर से लड़ने की क्षमता रखता है, ठीक है। ये जो टी लिम्फोसाइट हमारा होता है, जो भी कैंसर सेल्स होते हैं उससे लड़ने की क्षमता रखता है। और ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात करें तो ड्यू टू द बी लिम्फोसाइट, जो हमारा बी लिम्फोसाइट होता है वो हमारे क्या होता है, वो हमारे एंटीबॉडी निर्माण में सहायक होती है, ठीक है, वो हमारे एंटीबॉडी में सहायक होती है, एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं सेरा के बारे में, ठीक है। आपको इम्यूनिटी आपको अच्छे समझ में आओगा कि वैक्सीन क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल बारे में बता दिया। अब हम बात कर रहे हैं सेरा के बारे में, सेरा को हम क्या बोलते हैं, सेरम। अब ये चीज क्या होता है, द क्लियर, ठीक है, द क्लियर पेल येलो लिक्विड डेट सेपरेट फ्रॉम द क्लॉट कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। जो ब्लड की कोगुलेशन होती है क्लॉटिंग के टाइम होता है, जो कोगुलेशन के बाद उसके अंदर जो पेल येलो लिक्विड कलर आता है, ठीक है, जो येलो लिक्विड सेपरेट हो जाता है उसी को हम बोलते हैं सेरा या सेरम, ठीक है। सेरा डज नॉट कंटेन द बैक्टीरिया और टॉक्सिन, सेरा के अंदर कोई बैक्टीरिया और टॉक्सिन कंटेन नहीं करता है। इट कंटेन एंटी फॉर्म ऑफ इन द अनदर एनिमल, ये क्या करता है, एंटी फॉर्म करता है किसी अदर अनदर एनिमल के उसमें बॉडी में, ठीक है। ये कंटेन करता है एंटी फॉर्म, उसके अगेंस्ट फॉर्म तैयार करता है, बट किसी अनदर एनिमल के बॉडी में तैयार किया जाता है, ठीक है। सेरा एक्वायर्ड इम्यून इमीडिएटली एंड रिमेन द शॉर्ट टाइम, सेरा क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून इमीडिएटली होता है, जो बहुत ही कम समय के लिए होता है, ठीक है। सेरम इज द नॉन स्पेसिफिक मिक्सचर ऑब्टेन फॉर आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेरा कहाँ से हमें प्रोवाइड होता है, कहाँ से हमें मिलता है, सेरा इज द नॉन स्पेसिफिक मिक्सचर, ये नॉन स्पेसिफिक मिक्सचर होता है जो ऑब्टेन किया जाता है आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। जो हम ब्लड लेते हैं, ब्लड में सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, उसके बाद जो क्लॉटिंग हो जाता है, हमारे नीचे रेड ब्लड क्लॉट हो जाता है, उस पर जो येलो कलर का जो हमारा लिक्विड आता है उससे हमारा सेपरेट किया जाता है। इन द सेरम एंटीबॉडीज प्रोटीन आर प्रेजेंट विच इज द कलेक्टेड आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन, जो हमारा सेरम के अंदर एंटीबॉडीज प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो कलेक्ट किया जाता है आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद उसको कलेक्ट करते हैं, निकाल लिया जाता है, ठीक है। देन यूज द क्लोनिंग एंड द फाइनली, ठीक है, इसको क्लीनिंग करते हैं, यूज द क्लोनिंग एंड द फाइनली यूज द ट्रीटमेंट पर्पज ऑफ द स्पेसिफिक डिजीज, ठीक है। इसको फिर हम क्लीन करने के बाद फाइनली इसको यूज करते हैं, उसको जो स्पेसिफिक डिजीज है, कोई भी अगर हमारी बीमारी है उसको हम लड़ने की क्षमता जो प्रोवाइड करते हैं, जिसको कोई भी डिजीज को ट्रीटमेंट करते हैं उसके यूज करते हैं, तो उसके हम इसको सेरा का यूज करते हैं, सेरम को यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन, ठीक है, डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है। अगर हम बात करें क्लोरिन क्या करते हैं, हम सेरा क्या करते हैं, इन द सेरा एंटीबॉडीज प्रोटीन आर द प्रेजेंट इन द कलेक्टेड आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन, जो हमारा सेरा होता है सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हम इसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद इसको हम कलेक्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, देन यूज फॉर द क्लोनिंग। अब क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, क्लोन मतलब हमारा जैसा ही दूसरा बॉडी बना, ठीक है, सेम जैसा उसी के दूसरा बॉडी बनाना, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्रोड्यूस करता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद आइडेंटिकल जीनोम, ठीक है, जो उसकी जीन्स होती है उसके जैसा ही सिमिलर, ठीक है, उसके जैसा सिमिलर दूसरा जीव तैयार करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, या फिर यूज फॉर द ट्रीटमेंट पर्पज ऑफ द स्पेसिफिक डिजीज, किसी स्पेसिफिक डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। हमने बताया एग्जांपल क्या है, डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन। अब इट इज स्टेराइल, इट इज स्टेराइल एंड नॉन पायरोजेनिक सोल्यूशन कंटेनिंग स्पेसिफिक एंटीटॉक्सिन एंड एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीटॉक्सिन एंटीबॉडीज फ्रॉम द हेल्दी हॉर्स। ये क्या होता है, जो स्टेराइल होता है, इट इज स्टेराइल फॉर्मेशन होता है, नॉन पायरोजेनिक सोल्यूशन होता है जो कंटेन किया जाता है किसी स्पेसिफिक एंटीटॉक्सिन एंटीबॉडीज के, जो फॉर्म करते हैं कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, किसी हेल्दी हॉर्स से, किसी हेल्दी हॉर्स से इसको ऑब्टेन किया जाता है। फिर क्या करता है, दे न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द सी डिप्थेरिया प्रिपरेशन, फिर इसको न्यूट्रल, उसके जो टॉक्सिन होते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, ठीक है। न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, ठीक है, जो भी वहां से हम टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है बाय द सी डिप्थेरिया प्रिपरेशन में, उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, जो होता है एक ऐसा पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है जो कॉज करता है डिप्थेरिया, ठीक है। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया एक ऐसी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होती है जो कॉज करती है हमारे डिप्थेरिया को। अब बात करते हैं सेरा की मैन्युफैक्चरिंग मेथड, ठीक है, सेरा की मैन्युफैक्चरिंग मेथड क्या होता है, सेरा कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो जो ह्यूमन सेरम जो प्रिपरेशन होता है कैसे हम बनाते हैं, तो हम प्लाज्मा लेते हैं, ठीक है, कोई ब्लड सैंपल लेते हैं, ठीक है, उसको क्लॉट कराते हैं, क्लॉट करने के बाद हम वहां से सेरम को निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेरम की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, हम लेंगे यहाँ पे ब्लड सैंपल, ठीक है, इसमें हमने ब्लड सैंपल लिया, अब इसका सेंट्रीफ्यूज करा, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसमें हमारा ब्लड जो होता है पूरी तरीके से क्लॉट हो जाता है। जब ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो इसके जो क्लॉटिंग फैक्टर है रेड सारे रेड कलर के और नीचे बैठ जाते हैं। अब उसके बाद जो ऊपर हमारे पीला कलर दिखता है ये एक लिक्विड फॉर्मेशन होता है जो क्लॉट नहीं होता है, इसको हम ऑब्टेन कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं सेरा या इसी को बोलते हैं सेरम।
ठीक है। अब एंटीटॉक्सिन सेरा क्या होता है? एंटीटॉक्सिन सेरा होता है सेरम में भी एंटीटॉक्सिन एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल, बट एंटीटॉक्सिन जो सेरा होता है ये मोर इफेक्टिव होता है किससे? एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल से। ठीक है, एंटीटॉक्सिन जो सेरा होता है, एंटीटॉक्सिन जो सेरा होता है वो बहुत ज्यादा मोर इफेक्टिव होता है। ठीक है, मोर इफेक्टिव होता है किससे? एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल। इसे सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल माना जा गया है वो एंटीटॉक्सिन सेरा हमारा यूज किया जाता है मोस्टली जगह। आप देखेंगे एंटीटॉक्सिन सेरा ही यूज किया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल के। अब बात कर रहे हैं वैक्सीन के बारे में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं वैक्सीन की, वैक्सीन क्या होता है। अभी आप लोगों ने वैक्सीन देखा होगा कि नीडल लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, फिर आपको लगा देते हैं, आपकी बॉडी में लगा दिया जाता है। ठीक है, बट वैक्सीन के बारे में हम पढ़ेंगे कि वैक्सीन होता क्या है। वैक्सीन इज एंटीजन सब्सटेंसेस, ठीक है, एंटीजेनिक सब्सटेंसेस होता है जो प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द डिजीज और सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट यूज्ड टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द वन ऑफ सेवरल डिजीज। वैक्सीन क्या होता है? एक एंटीजन सब्सटेंसेस होता है, ठीक है, जो प्रिपेयर किया जाता है किसी भी पॉजिटिव एजेंट, जो कॉज किया उसी एजेंट से तैयार किया जाता है, जो भी पॉजिटिव एजेंट डिजीज होता है उसी से तैयार किया जाता है। किसी भी सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट भी हम इसको यूज करते हैं और क्या करता है, यूज टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है जिससे हमारे अगेंस्ट हमारे जो बॉडी है उसके एंटीबॉडीज रिलीज कर सकते, ठीक है, एंटीबॉडीज रिलीज करके कोई भी डिजीज जो कॉज करे, चाहे सिंगल डिजीज हो या कोई सेवरल डिजीज हो, उससे लड़ने की क्षमता उसके अंदर हो जाती है। इट कंटेन डेड बैक्टीरिया और वीक बैक्टीरिया और टॉक्सिन। ठीक है, ये हमारा जो वैक्सीन होता है किसी डेड बैक्टीरिया होता है या किसी वीक जिंदा बैक्टीरिया बट वीक हो जाता है या किसी टॉक्सिन सब्सटेंसेस को यूज करते हैं इसको बनाने के लिए। वैक्सीन स्टिमुलेट द बॉडी टू मेक द एंटीबॉडीज। वैक्सीन क्या करता है? हमारी बॉडी को स्टिमुलेट कर देता है, जगा देता है। कोई भी अगर हमारे बॉडी में एंटीजन आता है तो हमारे उस टाइम हमारी जो बॉडी है एंटीबॉडी बनाने के लिए हमेशा तैयार होती है। दे कंटेन द लिविंग और किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमारे जिंदा है ये मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, बैक्टीरिया टॉक्साइड और एंटीजेनिक मटेरियल फ्रॉम द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बैक्टीरियम रिकेट्सिया एंड वायरस, ये जैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं मोस्टली, हम जो यूज करते हैं किसी भी किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी यूज किया जाता है। अब लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज किया जाता है अभी हम समझते हैं। तो टाइप ऑफ वैक्सीन की अगर हम बात करें कि हमारी वैक्सीन कितने टाइप की होती है, तो एक होती है हमारी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। जो इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन होता है इसमें हम जो पैथोजन होते हैं उसका किल्ड वर्जन, मतलब उसका डेथ, मतलब मरा हुआ, हम उसके किल्ड वर्जन को यूज करते हैं। ठीक है, जो लाइव एनिमेटेड बैक्टीरिया होती है इसमें हम लाइव एटेन्यूएटेड का मतलब क्या होता है? एटेन्यूएटेड का मतलब होता है उसको वीक कर देना, ठीक है, उसको कमजोर बना देते हैं। तो जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होते हैं उसमें क्या करते हैं, उसमें जो पैथोजन होता है उसको वीक हो जाता है, उसको कमजोर कर दिया जाता है, उसके फिर लिविंग को, ऐसा नहीं कि वो डेथ कर देते हैं, उसको जिंदा ही पार्ट को, उसके जो पैथोजन होता है उसको जिंदा ही हम उसको यूज करते हैं किसी भी वैक्सीन को बनाने के, इसलिए उसको बोलते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, एक होता है हमारा मैसेंजर आरएनए, जो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन से होता है, ठीक है, जो मैसेंजर एमआरएनए जिसको बोलते हैं। एक होता है हमारे सभी यूनिट रिकॉम्बिनेंट या पॉलीसेक्राइड एंड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। ये हमारे सारे तो अलग अलग होते हैं बट इनकी जो प्रॉपर्टी है मोस्टली सबके सेम होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम किसी भी पैथोजन की स्पेसिफिक पार्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक जो उसकी पीस होती है उसका हम यूज करते हैं किसी पैथोजन की, जरूरी नहीं पूरी बॉडी को यूज किया जाए, उसकी स्पेसिफिक पार्ट को या स्पेसिफिक साइड को हम उसकी यूज करते हैं। एक होता हमारे टॉक्साइड वैक्सीन होता है और वायरल वेक्टर वैक्सीन हमारे होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं टॉक्साइड वैक्सीन, ये कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि टॉक्साइड वैक्सीन क्या होता है। सम बैक्टीरिया रिलीज द टॉक्सिन, हमारे कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं। टॉक्सिन क्या होता है? जो पॉइजनस प्रोटीन होता है, जो जहरीला पदार्थ होता है, जहरीला प्रोटीन होता है, दे व्हेन दे अटैक द बॉडी एंड इट द टॉक्सिन रेदर द बैक्टीरिया इटसेल्फ, ये क्या करता है? ये अटैक करता है बॉडी पे, ठीक है, ये हमारे बॉडी पे अटैक करता है और ये टॉक्सिन रिलीज करता है, एंड टॉक्सिन रेदर देन द बैक्टीरियल, जो हमारा बैक्टीरिया होता है इससे बैक्टीरिया से छोड़ के वहां ये अटैक करता है हमारे बॉडी पे और रिलीज करता है टॉक्सिन, ठीक है, इसलिए टॉक्सिन वैक्सीन हम ज्यादा यूज करते हैं। जो भी बैक्टीरिया होती है इससे अपने आप पर को, और ये बैक्टीरिया की वजह अगर वजह देखा जाए तो बैक्टीरिया की वजह ये बहुत ज्यादा क्या होता है, जहरीला होता है। ठीक है, द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज दिस टॉक्सिन इन द सेम वे दैट इज द रिकॉग्नाइज रेदर द एंटीजन on the surface of the bacteria and is able to mount the immune response to them. जो हमारी इम्यून सिस्टम है ये कैसे रिकॉग्नाइज करती है? जैसे ही हमारे बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करती थी उसी वजह से, उसी तरह हमारे जो टॉक्सिन्स है उसको भी हमारे रिकॉग्नाइज करती है, उसको भी हमारे ऐसे ही पहचानती है जो हमारे सतह पे हमारे एंटीजन होते हैं। ठीक है, जो हमारे एंटीजन बाहरी पार्ट के सरफेस से आते हैं बैक्टीरिया के या किसी टॉक्सिसिटी के, हमारे टॉक्सिसिटी के वहां पे आते हैं, तो उसको हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको पहचान लेती है, उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है, एंड इट इज एबल टू माउंट द इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स टू देम। इस तरह से जो हमारा
बॉडी है उसको इम्यून प्रोवाइड कर देती है, ठीक है, एक इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करती है कि हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती है, ठीक है, एंटीबॉडीज बना लेती है, उसे फाइट करने की क्षमता उसके अंदर हो जाती है। सम वैक्सीन आर मेड ऑफ द इनएक्टिवेटेड, ठीक है, इनएक्टिवेटेड वर्जन ऑफ दिस टॉक्सिन। कुछ ऐसे वैक्सीन होते हैं जो हमारे बनाए जाते हैं जिसे इनएक्टिवेटेड वर्जन ऑफ दिस टॉक्सिन, इसे टॉक्सिन के इनएक्टिवेटेड वर्जन, ठीक है, जो एक्टिवेट है इनएक्टिवेट है, तो उसी से ही हमारे कुछ वैक्सीन बनाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड टॉक्साइड, जिसको हम टॉक्साइड बोलते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड टॉक्साइड, जिसको हम टॉक्साइड ही बोलते हैं। टॉक्सिन से हमारे जो इनएक्टिवेटेड जो टॉक्सिन होती है उसको ही इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। इनएक्टिवेट करने के बाद उसको हम वैक्सीन की फॉर्मेशन बनाते हैं, जो वैक्सीन की फॉर्मेशन बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं टॉक्साइड, ठीक है, बिकॉज दे लुक लाइक अ टॉक्सिन बट आर नॉट पॉइजनस, ये पॉइजन की जैसा दिखता है बट ये पॉइजन नहीं होता है, ठीक है। एंड दे ट्रिगर द स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, एक मजबूत क्या बना लेते हैं, ट्रिगर करते हैं, हमारे प्रतिरक्षा बना लेती है और ट्रिगर करते हैं स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, ताकि हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और तुरंत कोई भी एंटीजन या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो इम्यून रिस्पॉन्स मतलब इम्यूनिटी एंटीबॉडीज के प्रति बहुत तेजी से बनाती है, ठीक है, जो भी एंटीजन आते हैं उसके बाद हमारी जो बॉडी होती है स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इम्यून सिस्टम उसका ज्यादा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तो एंटीबॉडीज तुरंत रिलीज करते हैं, उससे हमारे फाइट कर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 खत्म हुआ, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। बेसिक स्ट्रक्चर लेआउट, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड लेआउट सेक्शन एंड एक्टिविटीज, ठीक है, जो वहाँ की एक्टिविटीज होती है ऑफ द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड उसके क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में पढ़ने हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर लेआउट सेक्शन, ठीक है, और उसकी एक्टिविटीज जो होती है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग की उसके प्लांट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन कंसेप्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या होती है, ठीक है, जिसको CGMP बोलते हैं, या इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट ऑफ द कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन क्या होते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर और क्या पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, जिसको NDDS बोलते हैं, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लासिफिकेशन, ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है और क्लासिफिकेशन पढ़ना है विद एग्जाम्पल, उसके एडवांटेज और चैलेंजेस पढ़ना है, क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या उसके अंदर चैलेंजेस आती हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको वहां जुड़ के अच्छे से आपको वहां पे अच्छा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हर एक एग्जाम्स के मिलते रहेंगे, जो भी हमारे नए अपडेट्स आते रहेंगे वहां पे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छे समझ में आता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।